हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो के अंदर हम ये सीखेंगे कि कैसे हम टैली के अंदर जो हमारा इन्वेंटरी सिस्टम है, कंप्लीट इन्वेंटरी सिस्टम, हम कैसे टैली के अंदर फॉलो करते हैं। इन्वेंटरी सिस्टम का मतलब ये है कि कैसे हम जो भी एक बिजनेस के अंदर गुड्स परचेज सेल होती है उनको क्वांटिटी के अकॉर्डिंग, आइटम के अकॉर्डिंग कैसे रिकॉर्ड कर सकते हैं, वो सारा सिस्टम कैसे परचेज सेल की एंट्रीज को रिकॉर्ड करते हैं इन्वेंटरी सिस्टम के जरिए, उसको हम इसके अंदर सीखने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं कि इन्वेंटरी सिस्टम को हम टैली के अंदर कैसे फॉलो करते हैं। तो सबसे पहले हमने करना क्या है, हमने इन्वेंटरी इन्फो के अंदर जाना है। जब भी पहले आपको ये इन्वेंटरी क्रिएट करनी है तो इनके आपको मास्टर्स क्रिएट करने पड़ेंगे। कौन कौन से मास्टर्स क्रिएट होंगे वो मैं आपको बताऊंगा। कंपनी क्रिएशन आप लोगों को आती है क्रिएट करनी, अगर कंपनी क्रिएट करनी नहीं आती तो मेरी कंपनी क्रिएशन की एक अलग से वीडियो है, वो आप देख सकते हैं। लेकिन अगर आपको कंपनी क्रिएट करनी आती है तो कंपनी क्रिएट करने के बाद आपने इन्वेंटरी इन्फो में जाना है। तो यहां पर आपको मिलेंगी ये हमारे जो स्टॉक से रिलेटेड टर्म्स हैं, स्टॉक ग्रुप यानी इन्वेंटरी से रिलेटेड टर्म, जिस इन्वेंट्री का हम बिजनेस करते हैं यानी जो भी हम सामान गुड्स खरीदते बेचते हैं उसको हम इन्वेंट्री बोलते हैं, उनकी कितनी क्वांटिटी परचेज की, कितनी सेल की, उसको मेंटेन करने के लिए हमें इनकी इन टर्म्स को देखना पड़ेगा। स्टॉक ग्रुप कैसे क्रिएट होता है, स्टॉक कैटेगरी, स्टॉक आइटम एक एक करके डिस्कस करेंगे। अब यूनिट ऑफ मेजरमेंट, गोडाउन क्रिएशन और रीऑर्डर लेवल की सेटिंग कैसे होती है, तो ये सब कुछ हम इस इन्वेंटरी सिस्टम के अंदर जानेंगे। सबसे पहले बात करेंगे स्टॉक कैटेगरी की। तो स्टॉक कैटेगरी का मतलब है कि जब हमने कैटेगरी के अकॉर्डिंगली आइटम्स को सेल परचेज करना हो, यानी कि कैटेगरीज को मेंटेन करना हो कि हम कौन सी कैटेगरी के गुड्स बेचते हैं, जैसे हम मान लेते हैं शूज बेचते हैं, लेडीज शूज बेचते हैं, जेंट्स शूज बेचते हैं, किड्स शूज बेचते हैं। अगर हमारा शूज का बिजनेस है, अगर हमारा मान लेते हैं जनरल स्टोर है, हम बहुत तरह का सामान बेचते हैं, क्लोथ भी बेचते हैं, शूज भी बेचते हैं, फ्रूट्स भी बेचते हैं, वेजिटेबल भी बेचते हैं, तो उन सब की कैटेगरी, जो भी हम सामान बेचते हैं उनकी कैटेगरी, शूज और आगे जैसे मैं अभी आपको क्रिएट करके दिखाऊंगा, स्टॉक के अंदर कैटेगरी के अंदर चलेंगे और यहां पर आप देखोगे कि ऑप्शन है हमारे पास क्रिएट की। तो यहां पर क्रिएट के अंदर जाकर आपने कैटेगरी क्रिएट करनी है। जैसे हम क्रिएट करेंगे, यहां पे क्रिएट करने वाले हैं क्लोथ, तो यहां पे हम क्लोथ कैटेगरी क्रिएट करेंगे, क्लोथ लिखेंगे और ये प्राइमरी के अंदर जाएगा। और अगर आप यहां पे एलाइसिस यानी के जितने भी हमारी कैटेगरी होंगी उनके कोड रखना चाहते हैं, जैसे आप स्कूल कॉलेज के अंदर एडमिशन लेते हो, पढ़ते हो, तो उसका एक आपको रोल नंबर मिलता है, आपका एक नाम होता है और आपको एक रोल नंबर इशू किया जाता है स्कूल या कॉलेज की तरफ से जहां पर आप पढ़ते हो। तो वैसे ही आपने यहां पे एलाइसिस अगर कोड रखना है, इसका आप कोड रख सकते हैं और कोड के जरिए भी हम कैटेगरी को टैली के अंदर मेंटेन कर सकते हैं। और प्राइमरी का मतलब हमारी ये मेन कैटेगरी है, जो पहली कैटेगरी होती है उसको हम मेन कैटेगरी क्लोथ, और ऐसे ही क्लोथ के अंदर हम ले सकते हैं वुमेन क्लोथ, क्लोथ के आगे हम सब कैटेगरी, फ्रेंड्स मैंने क्या कहा, क्लोथ के आगे हम सब कैटेगरी क्रिएट कर सकते हैं वुमेन क्लोथ, और इसको हम देंगे आगे क्लोथ के अंदर। ध्यान से देखिए, यानी कि क्लोथ मेन कैटेगरी, वुमेन क्लोथ हमारी सब कैटेगरी। तो आप एक कैटेगरी के आगे सब कैटेगरी, ऐसे ही आप यहां पे किड्स क्लोथ ऐसे आप क्रिएट कर सकते हैं, ये भी हम क्लोथ कैटेगरी के अंदर देंगे। तो आप कैटेगरी के आगे सब कैटेगरी और सब कैटेगरी के आगे भी अगर कैटेगरी बनाना चाहे बना सकते हैं, और जो भी आपने कैटेगरी बनाई है डिस्प्ले के अंदर जाकर उनको आप डिस्प्ले कर सकते हैं। ये कुछ कैटेगरी मैंने पहले ही बना रखी थी थोड़ा टाइम सेव करने के लिए, जैसे एयर कंडीशनर भी हम सेल करते हैं, क्लोथ, इलेक्ट्रिकल आइटम, इलेक्ट्रिकल आइटम के अंदर ये देखिए इलेक्ट्रिकल आइटम प्राइमरी कैटेगरी, और एयर कंडीशनर ये हमारी इलेक्ट्रॉनिक आइटम के अंदर हमने सब कैटेगरी बनाई है। तो आप ऐसे डिस्प्ले कर सकते हो। अगर आपने कोई कैटेगरी के अंदर चेंजेस करनी हो, अल्टर के अंदर जाकर आप, जैसे आपने एयर कंडीशनर यहां पे कोई नाम चेंज करना है या उसका अंडर कैटेगरी चेंज करना है, तो आप यहां से कैटेगरी को क्या कर सकते हैं,
स्टूडेंट चेंज कर सकते हैं। फ्रेंड्स आप चेंज कर सकते हैं, तो मेरे ख्याल से आपको क्लियर है वॉशिंग मशीन अंडर ये इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स। तो आई थिंक मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कैसे हम कैटेगरी बनाते हैं। और अगर आप मल्टीपल स्टॉक कैटेगरी क्रिएट करना चाहते हैं, एक ही बार में बहुत सारी कैटेगरीज आप क्रिएट करना चाहते हैं, तो आपने मल्टीपल स्टॉक कैटेगरी क्रिएट के अंदर जाना है। और यहां पर अंडर अंडर के अंदर अगर आपने अलग अलग कैटेगरी बनानी है, जैसे आपने क्लोथ के अंदर भी बनानी है, इलेक्ट्रॉनिक आइटम ये हमारी मेन कैटेगरी है, सभी के अंदर अगर आपने कैटेगरी क्रिएट करनी है तो ऑल आइटम सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे मैं यहां पे बना देता हूं मेन क्लोथ कैटेगरी बना देता हूं, ये अंडर हमारे जाएगा क्लोथ के, ठीक है। और यहां पे मैं एक और इलेक्ट्रॉनिक कैटेगरी, जैसे कि हम यहां पे बना देते हैं मिक्सचर ऑफ वेजिटेबल, और इसको हम देंगे इलेक्ट्रॉनिक आइटम के अंदर कि ये वेजिटेबल मिक्सचर है, एक इलेक्ट्रॉनिक आइटम। तो आप ऐसे फ्रेंड्स ऑल आइटम सेलेक्ट करके जितनी मर्जी चाहे कैटेगरी और उसके बाद अंडर उसका सेलेक्ट कर सकते हैं। और इसी तरीके से फ्रेंड्स अगर आपने एक कैटेगरी सिर्फ बनानी है, यानी अंडर आपने सिर्फ क्लोथ के अंडर या वुमेन, चलिए ऐसा करते हैं जैसे हमने ये वुमेन क्लोथ बनाया है, वुमेन क्लोथ के अंडर बहुत सारी सब कैटेगरी क्रिएट करनी है, जैसे वुमेन शर्ट्स, वुमेन पैंट, वुमेन टी शर्ट्स, आई थिंक आप समझ गए। और ये अंडर अपने आप सेलेक्ट करता जाएगा, ये अंडर अपने आप सेलेक्ट करता जाएगा। तो आप ऐसे मल्टीपल क्रिएट कर सकते हो। अगर आपने सारी कैटेगरी इकट्ठे एक बार में देखनी है, जैसे ऊपर तो आपने डिस्प्ले में वन बाय वन एक एक करके कैटेगरी देख सकते हो, लेकिन यहां पे स्टॉक कैटेगरी डिस्प्ले के अंदर आप ऑल आइटम अगर आप क्लिक करोगे तो जितनी भी आपने कैटेगरी बनाई है वो सारी की सारी एक ही बार में आप कैटेगरी देख सकते हो। अल्टर के अंदर जाकर अगर आपने अल्टर करनी है सारी कैटेगरी देखकर, आप इनके अंदर चेंजेस करना चाहें चेंजेस कर सकते हैं। अगर आपने एक पर्टिकुलर कैटेगरी के अंदर चेंजेस करनी है, जैसे क्लोथ के अंदर, तो आप देख सकते हो सिर्फ क्लोथ कैटेगरी आपको दिखाई दे रही है, जो भी क्लोथ के अंदर कैटेगरी आती है वो आपको सारी कैटेगरी दिखाई दे रही है, और ये भी दिखा रहा है कौन सी कैटेगरी किसके अंडर है। तो आप ऐसे फ्रेंड्स मल्टीपल स्टॉक कैटेगरी के जरिए इकट्ठी स्टॉक कैटेगरीज को अल्टर कर सकते हैं। इसके बाद हम स्टॉक ग्रुप के अंदर चलेंगे। स्टॉक ग्रुप के अंदर अगर आपने किसी कंपनी का, यानी कि जिस कंपनी की हम गुड्स सोल्ड कर रहे हैं, ये जैसे कि क्लोथ कैटेगरी तो आपको समझ में आ गया, अब हम क्लोथ से रिलेटेड जिन कंपनीज की गुड्स को सोल्ड कर रहे हैं, जैसे हम रिबॉक कंपनी की गुड्स को सोल्ड करते हैं, या मान लेते हैं रिलायंस लिमिटेड, तो हम यहां पे क्रिएट कर लेते हैं रिलायंस लिमिटेड, या आप क्रिएट कर सकते हो, मैंने रिलायंस लिमिटेड वैसे ऑलरेडी क्रिएट कर रखा है, या हम यहां पे क्रिएट कर लेते हैं टाटा एंड कंपनी। टाटा एंड कंपनी ये हमारी मेन कैटेगरी। शुद्ध क्वांटिटी आइटम भी एडिड, यानी कि अगर हम इस टाटा कंपनी के अंदर सब कैटेगरी क्रिएट करते हैं तो उनकी क्वांटिटी को हम कंबाइंड करना चाहते हैं, तो इस ऑप्शन को आपने यस करना है। अगर जीएसटी डिटेल डालनी है इसको भी यस कर सकते हो, ये जीएसटी डिटेल अभी हम इसको इग्नोर करेंगे, बाद में आपको जीएसटी के बारे में भी बताऊंगा। और उसके बाद ये आप क्रिएट करने के बाद टाटा एंड कंपनी, यहां पे हम टाटा एंड कंपनी के अंदर जो सब कंपनीज हैं, टाटा मोटर्स, जैसे टाटा मोटर्स टाटा कंपनी के अंदर, ये देखिए टाटा कंपनी के अंदर हम ये क्रिएट करेंगे टाटा मोटर्स, तो ये हमारे पास टाटा मोटर। शुड क्वांटिटी भी एडिड आपने यस करना है। टाटा मोटर्स के बाद आपने यहां पर देना है टाटा इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, तो ये हम देंगे, ये भी हम टाटा कंपनी के अंदर, यानी कि एक मेन कंपनी और उसके अंदर आप सब कंपनीज क्रिएट कर सकते हो। तो ये स्टॉक ग्रुप जिस कंपनी की हम गुड्स को सोल्ड करते हैं, और अगर डिस्प्ले करना है डिस्प्ले में जाकर आप जो भी आपने कंपनी क्रिएट की है, जैसे मैंने ये रिलायंस की ऑलरेडी क्रिएट कर रखी है, रिलायंस डिजिटल, रिलायंस इंडस्ट्री ये मेन कंपनी है,
उसके अंदर ये रिलायंस डिजिटल और रिलायंस फ्रेश, आप देख सकते हो ये रिलायंस इंडस्ट्री के अंदर अलग अलग उनकी सब कंपनीज, रिलायंस ट्रेंड, और इस तरीके से आप ये डिस्प्ले कर सकते हो अगर आपने किसी कंपनी को अल्टर करना है तो। ये हमारे पास अल्टर की ऑप्शन है, अल्टर के अंदर जाकर अल्टर कर सकते हैं, जैसे रिलायंस फ्रेश नाम चेंज करना है या अंडर रिलायंस इंडस्ट्रीज, शुड क्वांटिटी आइटम बी एडेड यस, तो इस तरीके से हम ये यस कर सकते हैं, नो कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको क्लियर है। और ऐसे ही अगर आपने इकट्ठे ग्रुप क्रिएट करने हैं, स्टॉक ग्रुप, जैसे हम यहां पे क्रिएट पे क्लिक करेंगे, यहां पे हमने मान लेते हैं टाटा एंड कंपनी के अंदर और भी ग्रुप क्रिएट करने हैं, या अलग अलग कंपनियों के अंदर अगर ग्रुप क्रिएट करने हैं, जैसे टाटा कंपनी के अंदर, रिलायंस कंपनी के अंदर, आदित्य बिरला ग्रुप, ये अलग हमारी कंपनी जिसके हम प्रोडक्ट बेचते हैं, तो आप ऑल आइटम कर लीजिए। अगर आपने एक पर्टिकुलर कंपनी के ग्रुप क्रिएट करने हैं, जैसे ये टाटा कंपनी के, टाटा एंड कंपनी सेलेक्ट कर लीजिए और यहां पे ग्रुप का नाम डाल दीजिए टाटा, टाटा कंसल्टेंसी या टाटा सॉफ्टवेयर कंपनी, टाटा सॉफ्टवेयर लिमिटेड या टाटा सॉफ्टवेयर कंपनी, इस तरीके से आप क्रिएट कर सकते हो। ये अपने आप अंडर अपने आप सेलेक्ट कर लेगा। शुड क्वांटिटी बी एडेड आपने यस करना है, तो ऐसे आप अपने आप क्रिएट कीजिएगा। अगर आपने इकट्ठे डिस्प्ले करने हैं, जितने भी आपने ग्रुप या सब ग्रुप क्रिएट किए हैं, ऑल आइटम पे एंटर कीजिए, तो आपको ये सारे ग्रुप और सब ग्रुप जो आपने क्रिएट किए हैं वो आपको दिखा रहा है। आदित्य बिरला मेन कंपनी, एलजी स्मार्ट लिमिटेड यानी के प्राइमरी, तो जो भी हमारी ये प्राइमरी है ये मेन कंपनी, और आगे ये हमें दिखा रहा है कि कौन सी आगे, जैसे रिलायंस डिजिटल हमारी रिलायंस इंडस्ट्री के अंदर, रिलायंस फुटवेयर रिलायंस इंडस्ट्री के अंदर, रिलायंस फ्रेश रिलायंस इंडस्ट्री के अंदर, तो इस तरीके से हम ये कंपनीज और उनके ये ग्रुप जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको क्लियर है। और अगर आपने अल्टर करना है किसी भी ग्रुप को, ऑल आइटम सेलेक्ट करके आप इनके ग्रुप को अगर अल्टर करना चाहें, इकट्ठे अल्टर, कोई नाम चेंज करना है, अंडर चेंज करना है, तो आप इकट्ठे अल्टर कर सकते हो। और इसके बाद आगे बढ़ेंगे, ये ग्रुप क्रिएट करने आ गए आपको, इसके बाद हमने यूनिट क्रिएट करने हैं। यूनिट का फ्रेंड्स मतलब होता है कि जो हम गुड्स बेचेंगे वो पीसीस के अंदर बेचेंगे, ग्राम के अंदर बेचेंगे, किलोग्राम के अंदर, यूनिट ऑफ मेजरमेंट में जाएंगे, क्रिएट के ऊपर क्लिक करेंगे, और इसके अंदर यहाँ पे टाइप के अंदर दो ऑप्शन होती हैं। पहले हम सिंपल ऑप्शन फॉलो करेंगे और जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे ये कंपाउंड ऑप्शन भी आपको बताएंगे। पहले सिंपल, और यहाँ पे सिंबल रखेंगे जिस सिंबल के अकॉर्डिंगली हम सेल करते हैं, जैसे पीसीस के अंदर, ठीक है, यहाँ पे पूरा नाम लिखना चाहे या शॉर्ट के अंदर, जैसे मैं पीसीस पूरा नाम लिख देता हूं, फॉर्मल नेम, यानी कि अगर हमने यहाँ पे शॉर्ट नेम लिखा है तो आप यहाँ पे उसका पूरा नाम लिख सकते हैं। अगर आपने ऊपर पूरा नाम लिख दिया तो नीचे यहाँ पे शॉर्ट फॉर्मल नेम में आपको कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं। यहाँ पे आपने ये देख सकते हो, ये टैली ने एक नई फैसिलिटी प्रोवाइड की है, जितने भी हमारे ये मेन यूनिट होते हैं जिसके अंदर हम अपनी गुड्स को बेचते हैं, जैसे बैग हो गया, बॉक्सिस हो गया, अगर बॉक्सिस में बेच रहे हैं, दर्जन के अंदर गुड्स बेच रहे हैं, ग्राम किलोग्राम, या अगर कोई भी और यूनिट जो इसके अंदर नहीं है, वैसे तो इसमें सारे यूनिट है, अगर नहीं है तो आप उसको अदर के अंदर सेलेक्ट कर सकते हैं, यानी पे कोई भी आप यूनिट क्रिएट करके जिसके अंदर आप सामान बेचते हो, पीसीस के अंदर, बैग के अंदर, ग्राम के अंदर, किलोग्राम के अंदर, लीटर के अंदर, तो आप यहां पर ये क्रिएट कर सकते हैं। नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस, यहां पर नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस आपने जीरो रखना है। अगर आप यहां पे डेसिमल प्लेसेस देना चाहें, जैसे हम किसी भी प्रोडक्ट को पॉइंट्स के अंदर सेल करते हैं डेसिमल के अंदर, वन डेसिमल तक, जैसे 10.2, तो आप यहां वन डाल दीजिए। अगर हम दो डेसिमल तक कोई भी सामान बेचते हैं, जैसे 10.25, बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी आइटम होती हैं जो ग्राम के अंदर आती हैं, जिनको हम पॉइंट्स के अंदर भी सेल करते हैं 10.25, तो आप यहां पे डेसिमल प्लेसेस की, आपको डेसिमल प्लेसेस 1 तक चाहिए, 2 तक चाहिए, 3 तक चाहिए, तो वो आप यहां पे डिसाइड कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से
आप लोगों को क्लियर है। तो ऐसे हम फ्रेंड्स यूनिट क्रिएट करते हैं। अगर आप डिस्प्ले करना चाहें डिस्प्ले कर सकते हैं। तो ये देखिए पीसीस, ग्राम, किलोग्राम, सारे के सारे यूनिट आप क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपने कोई यूनिट अल्टर करना है तो आप यहां पर अल्टर के अंदर जाकर कोई नाम चेंज करना है, फॉर्मल नेम चेंज करना है, यहां पे लिस्ट में से कुछ चेंजेस करनी है, नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस आपने अगर बदलने हैं तो आप यहां से चेंज कर सकते हैं। और इसके बाद अगर आपने गोडाउन, फ्रेंड्स अगर इसके बाद आपने गोडाउन क्रिएट करने हैं तो यहां से आप गोडाउन क्रिएट कर सकते हैं। तो यहां से आप गोडाउन यानी कि लोकेशन जहां पर हम अपनी गुड्स को रखते हैं। जैसे मान लीजिए मेरा एक बिजनेस पटियाला के अंदर है, मैं पटियाला में गुड्स रखता हूं, एक बिजनेस राजपुरा के अंदर है, एक बिजनेस मेरा चंडीगढ़ के अंदर, तो ये लोकेशन यानी गोडाउन को लोकेशन भी बोलते हैं। तो यहां पे क्रिएट में जाकर हम लिखेंगे पटियाला ब्रांच या पटियाला स्टोर, यहां पे पटियाला स्टोर अंडर ये प्राइमरी के अंदर जाएगा। और अगर पटियाला के अंदर भी मेरे अलग अलग प्लेसेस के ऊपर बिजनेस है, जैसे पटियाला के अंदर राजपुरा रोड के ऊपर बिजनेस है, तो हम यहां पे लिखेंगे पटियाला राजपुरा रोड पटियाला। तो ये यानी के गोडाउन के अंदर आप सब गोडाउन भी क्रिएट कर सकते हैं, ये हम पटियाला स्टोर के अंदर दे देंगे। और अगर मान लेते हैं मेरा बाई नंबर फाटक यानी के अर्बन स्टेट या फिर एसएसटी नगर पटियाला में भी मेरा एक बिजनेस है तो या स्टोर है जहां पर हम गुड्स रखते हैं, तो आप यहां पर लोकेशन क्रिएट कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से फ्रेंड्स आपको क्लियर है, डिस्प्ले करना है, डिस्प्ले के अंदर जाकर जो भी आपने लोकेशंस क्रिएट की हैं वो आप यहां पे देख सकते हो। अल्टर के अंदर जाकर अगर आप लोकेशन जो भी आपने क्रिएट की हैं, जैसे ये राजपुरा रोड मैंने क्रिएट कर लिया, करोल बाग दिल्ली, दिल्ली के अंदर मेरा स्टोर है, दिल्ली के अंदर ये मेन हेड ऑफिस है जहां पर मेरा ये करोल बाग दिल्ली एक मेन स्टोर है, दूसरा दिल्ली के अंदर मेरा और अगर स्टोर है तो वो अकाउंट मैं क्रिएट कर सकता हूं। यहां से अगर आप डिस्प्ले करना चाहें डिस्प्ले कर सकते हैं कि कौन सा स्टोर है और किसके अंदर आपने क्रिएट किया है। और अगर आप मल्टीपल ग्राउंड के अंदर जाकर क्रिएट करें यहां पर ऑल, बिल्कुल वैसे ही जैसे स्टॉक ग्रुप किया था, अगर आपने दिल्ली स्टोर के अंदर जो दिल्ली आपका मेन स्टोर है उसके अंदर आपने क्रिएट करना है, पटियाला स्टोर जो मेन है उसके अंदर, तो ऑल आइटम सेलेक्ट करके यहां पे आप क्रिएट कर सकते हैं। या अगर आपने सिर्फ पटियाला के अंदर आपके बहुत सारे अलग अलग जगह पे स्टोर हैं, अलग अलग लोकेशन पे स्टोर है, पटियाला स्टोर सेलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पे जो पटियाला के अंदर हमारे अलग अलग लोकेशन के ऊपर स्टोर है तो वो गोडाउन हम यहां पर क्रिएट कर सकते हैं। और अगर डिस्प्ले करने हैं सारे के सारे ऑल आइटम के अंदर जाकर आप एक बार में ही अपने सारे स्टोर जो भी आपने क्रिएट किए हैं फ्रेंड्स, चंडीगढ़ ब्रांच प्राइमरी मेन, दिल्ली हेड ऑफिस, पटियाला ब्रांच, पटियाला स्टोर, तो ये मेन है और उसके बाद जो ये हमारा पटियाला स्टोर के अंदर अर्बन स्टेट पटियाला, बाई नंबर पटियाला, पटियाला ब्रांच के अंदर चांदनी चौक दिल्ली, दिल्ली हेड ऑफिस, तो ये कौन सा हमारा सब गोडाउन किस मेन गोडाउन के अंदर है वो लिस्ट आप यहां से देख सकते हैं। और अल्टर करना चाहें ऑल आइटम यहां से, अगर आप कोई अल्टरेशन कोई नाम के अंदर चेंजेस अंडर के अंदर चेंजेस करना चाहते हैं तो वो आप फ्रेंड्स कर सकते हैं। और उसके बाद ये गोडाउन क्रिएट करने के बाद जो हमारा स्टॉक आइटम, ये फाइनल स्टेप है, पहले ग्रुप बनता है, कैटेगरी बनती है, यूनिट बनते हैं, फिर हम स्टॉक आइटम जो हमारा मेन पार्ट होता है इस इन्वेंटरी सिस्टम के अंदर, कि हम जो आइटम बेच रहे हैं वो आइटम अब हम क्रिएट करने जा रहे हैं, तो यहां पर क्रिएट की ऑप्शन है। तो वन बाय वन अगर आपने आइटम क्रिएट करनी है, यानी कि ये ध्यान रखना है कि अगर आपने डिटेल के अंदर आइटम क्रिएट करनी है यानी कि आइटम की डिटेल डालनी है तो आप वन बाय वन क्रिएट कीजिए, अगर आपने डिटेल कम डालनी है तो आप एक बार में ही मल्टीपल स्टॉक आइटम के जरिए भी आइटम को क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपने ज्यादा डिटेल में डालनी है तो आपको वन बाय वन क्रिएट करनी पड़ेगी। यहां पे हम आइटम का पूरा नाम लिखेंगे, जैसे LG 32 इंच LED TV है और यहां पे ये इसका मॉडल नंबर
डालेंगे तो मेरे ख्याल से क्लियर है आइटम का नाम यहां पे एलआईसीज के अंदर। अगर आप अपनी आइटम का कोड रखना चाहते हैं तो कोड रख सकते हैं। और ये अगली ऑप्शन है फ्रेंड्स, पार्ट नंबर। तो बहुत सारी आइटम ऐसी होती हैं फ्रेंड्स जिनके पार्ट नंबर होते हैं, जैसे आपने गाड़ियों का देखा होगा उनके चैसी नंबर होते हैं, गाड़ियों के या मोबाइल का देखा होगा उसका सीरियल नंबर होता है। तो जितने भी हमारी आइटम होती हैं जो उनके पार्ट नंबर, यानी पार्ट नंबर से भी हम आइटम के बारे में पता लगा सकते हैं जो हमने सेल परचेज की है। तो अगर ये आपको ये पार्ट नंबर डालना है तो इसको हमें एक्टिवेट करना पड़ता है। तो ये पार्ट नंबर एक्टिवेट करने के लिए आप जब स्टॉक आइटम क्रिएट करते हैं यहां पर आपने F12 प्रेस करना है। और ये स्टॉक आइटम कॉन्फ़िगरेशन के अंदर ये ऑप्शन होती है फ्रेंड्स, ये ऑप्शन है पार्ट नंबर फॉर स्टॉक आइटम, इसको यस कर दीजिए। डिस्क्रिप्शन फॉर स्टॉक आइटम, इसको यस कर दीजिए। रिमार्क फॉर स्टॉक आइटम, इसको यस कर दीजिए। फ्रेंड्स ध्यान दीजिए स्टूडेंट, पार्ट नंबर फॉर स्टॉक आइटम, डिस्क्रिप्शन फॉर स्टॉक आइटम, रिमार्क्स फॉर स्टॉक आइटम, तो आपने ये ऑप्शन फ्रेंड्स यस करनी है। ये डिस्क्रिप्शन क्या होता है, रिमार्क्स क्या होता है, अभी मैं आपको बताऊंगा। पहले ये पार्ट नंबर अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, तो वो मैंने आपको बताया कि बहुत सारी आइटम ऐसी होती हैं जिनके पार्ट नंबर होते हैं। और डिस्क्रिप्शन का मतलब यानी कि जो आइटम हम बेच रहे हैं उसके बारे में, यानी इसके अंदर क्या फीचर्स हैं। डिस्क्रिप्शन का मतलब फीचर, जैसे इसके अंदर एक HDMI केबल है, HDMI यानी दो केबल है HDMI, और ये पिक्सल की इसके लिख सकते हैं पिक्सल, जैसे मोबाइल के पिक्सल होते हैं मेगापिक्सल 2.5, यानी कि जो भी प्रोडक्ट की फीचर होती है फ्रेंड्स वो आप यहां पे लिख सकते हैं। और रिमार्क्स के अंदर आप यानी कि जो भी वार्निंग आप कह सकते हो, वार्निंग कह सकते हो, या जो भी उस प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई मेन ऐसी सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आप रिमार्क्स के अंदर लिखना चाहते हैं वो इस रिमार्क्स के अंदर लिख सकते हैं। और उसके बाद अंडर, अंडर का मतलब होता है कि आपकी ये जो स्टॉक आइटम है कौन से ग्रुप की है। तो यहां पे हम सिलेक्ट करेंगे ये LG स्मार्ट टीवी है। अगर हम कोई रिलायंस की यानी रिलायंस फ्रेश से रिलेटेड है तो रिलायंस फ्रेश ग्रुप सिलेक्ट कर लेंगे। अगर रिलायंस ट्रेंड से रिलेटेड है तो रिलायंस ट्रेंड, यानी कि हमारी ये आइटम किस ग्रुप यानी किस कंपनी से रिलेटेड है, यहां पे सिलेक्ट करेंगे LG स्मार्ट टीवी। यहां पे कैटेगरी कि ये कौन सी कैटेगरी की आइटम है, LED टीवी। अगर क्लोथ है, किड्स क्लोथ है, तो किड्स क्लोथ सिलेक्ट कर लेंगे। अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम यानी वॉशिंग मशीन है, वॉशिंग मशीन यानी कौन सी कैटेगरी की ये आइटम है, ये एक LED टीवी है। उसके बाद आपने सिलेक्ट करना है ये जो हम आइटम बेचेंगे वो पीसीस के अंदर बेचेंगे या ग्राम के अंदर, किलोग्राम के अंदर, बैग के अंदर, बॉक्सेस के अंदर, जिसके अंदर भी हम इसको सेल करेंगे जैसे पीसीस के अंदर वो सिलेक्ट कर लेंगे। और उसके बाद ये अल्टर यूनिट, ये अभी छोड़ दीजिए, आगे चल के बताऊंगा अल्टर यूनिट के बारे में। उसके बाद अगर आप फ्रेंड्स अपनी आइटम का बैच भी मेंटेन करना चाहते हैं कि हमने इस आइटम को कौन से बैच में, यानी कि आपने देखा होगा बहुत सारी आइटम ऐसी होती हैं जिनके बैच नंबर होते हैं। मेडिसिन के केस में आप देखोगे हर मेडिसिन के ऊपर एक बैच नंबर होता है। अगर आपने आइटम का बैच नंबर भी डालना है तो मेंटेन इन बैच, इसको यस करना है। और इस ऑप्शन को आपने एक्टिवेट करने के लिए F11 प्रेस करना है। और यहां पर इसके बाद F2 यानी कि ये इन्वेंटरी फीचर जो आप देख रहे हो, क्योंकि आज हमारा टॉपिक इन्वेंटरी से रिलेटेड है, तो ये जितनी भी आप इन्वेंटरी की फीचर देख रहे हो वो हम 1x1 करके ये सारी की सारी फीचर आज के इस लेक्चर के अंदर, क्योंकि हमारा टॉपिक इन्वेंटरी फीचर से रिलेटेड है, तो ये 1x1 हम इसको डिस्कस करने वाले। तो मेरे ख्याल से फ्रेंड्स आपको क्लियर है। यहां पर हम सिलेक्ट करेंगे, ये ऑप्शन होती है अगर आपने गोडाउन मेंटेन करने हैं तो ये ऑप्शन है मेंटेन मल्टीपल गोडाउन, इस ऑप्शन को यस करना है, तभी आपकी ये ऑप्शन आएगी गोडाउन क्रिएशन की। ये मैंने पहले ही एक्टिवेट कर रखा था। अगर आपको कैटेगरी मेंटेन करनी है तो ये ऑप्शन है मेंटेन स्टॉक कैटेगरी की, इसको यस कर लीजिए। और अगर आपने बैच मेंटेन करना है तो ये ऑप्शन है बैच
वाइज डिटेल, और अगर आपको एक्सपायरी मैन्युफैक्चरिंग डेट भी, यानी कि ये जो हम गुड्स बेच रहे हैं, आपने देखा होगा मेडिसिन के ऊपर हमेशा मैन्युफैक्चरिंग डेट एक्सपायरी डेट लिखी होती है, तो अगर आप मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी डेट मेंटेन करना चाहते हैं तो वो भी आप मेंटेन कर सकते हैं। तो ये मेरे ख्याल से आपको पता चला कैसे हमने इन ऑप्शंस को एक्टिवेट करना है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, और ये हमारी, जैसे ही हम वहां पे एक्टिवेट करेंगे, ये हमारी मेंटेन बैच वाइज ऑप्शन एक्टिवेट हो जाएगी, और जिस आइटम का हमने बैच मेंटेन करना है, जब हम परचेज सेल की एंट्री डालेंगे तब ये हमसे ये बैच की डिटेल मांगेगा, वहां पर डालेंगे। यहां पर आपने सिर्फ एक्टिवेट करना है मेंटेन बैच वाइज, ट्रैक नंबर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग यस करना है, एक्सपायरी डेट यस करनी है, और बस यही ऑप्शन सेट कंपोनेंट, ये मैं आगे चल के आपको बताऊंगा, स्टैंडर्ड रेट और ये अनेबल कॉस्ट ट्रैक की, अभी हम इसको छोड़ेंगे, बस इतनी ही ऑप्शनें फ्रेंड्स आपको फॉलो करनी है, और इसके बाद आपने एंटर करके ये आपकी आइटम क्रिएट हो जाएगी। तो आप जितनी मर्जी आइटम चाहे, यानी आपने देखा होगा एक बिजनेस के अंदर बहुत सारी आइटम होती हैं, तो आप वन बाय वन यहां से वो आइटम क्रिएट कर सकते हैं, उसका नाम डालिए, पार्ट नंबर, डिस्क्रिप्शन, रिमार्क्स, ग्रुप सिलेक्ट कीजिए, कैटेगरी सिलेक्ट कीजिए, यूनिट सिलेक्ट कीजिए, बैच डिटेल अगर आपको चाहिए तो आप यस कर दीजिए, और अगर आप स्टॉक आइटम को डिस्प्ले करना चाहते हैं तो डिस्प्ले के अंदर जाकर, ये देखिए मैंने कुछ आइटम बना रखी हैं, ये देखिए कुछ आइटम मैंने पहले ही, एलजी स्मार्ट टीवी, ये देखिए पहले ही कुछ आइटम मैंने अभी, ये तो अभी क्रिएट की, ये एलईडी एचडी स्मार्ट टीवी, ये मैंने कुछ आइटम पहले ही बना रखी है, तो आप देख सकते हो, ऐसे ही आप भी क्रिएट कर सकते हो, डिस्प्ले कर सकते हो। अगर आपने स्टॉक आइटम के अंदर कुछ चेंजेस करनी है, अल्टर के अंदर जाकर जिस आइटम के अंदर चेंजेस करनी है उसको सिलेक्ट कीजिए, और उसके बाद आप इस तरीके से यहां से अपनी आइटम के अंदर जो चेंजेस करना चाहें वो कर सकते हैं। और मल्टीपल स्टॉक आइटम के अंदर अगर आप इकट्ठी आइटम क्रिएट करना चाहते हैं, यहां पर आप देखोगे आप डिटेल ज्यादा नहीं डाल सकोगे, अंडर ग्रुप, यानी कि मान लीजिए मुझे ये रिलायंस फ्रेश की बहुत सारी 10-15 आइटमें हैं रिलायंस फ्रेश की, वो इकट्ठी क्रिएट करनी है मेंटेन, अगर आपने बैच वाइज मेंटेन करना है इसको यस कर दीजिए। मैन्युफैक्चरिंग डेट, सभी की मैन्युफैक्चरिंग डेट यस, यानी कि एक बार में ही सारी आइटम की बैच डिटेल, मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी डेट, ये यस हो जाएगी, और यहाँ पे आप आइटम का नाम डालिए रिलायंस फ्रेश के अंदर, जैसे हम यहाँ पे एप्पल, यहाँ पे कुछ फ्रूट्स है, ये अंडर अपने आप आ जाएगा। कैटेगरी अगर हम क्रिएट करना चाहें क्रिएट कर सकते हैं, जैसे ये हम फ्रूट्स कैटेगरी का, यहाँ पे फ्रूट्स ऑल्ट सी प्रेस करके, अगर आप कोई भी कैटेगरी या कोई भी मास्टर क्रिएट करना चाहते हैं ड्यूरिंग द, जब आप कोई स्टॉक आइटम या कोई भी ग्रुप क्रिएट कर रहे हो, तो आपने ऑल्ट सी प्रेस करके आप क्रिएट कर सकते हो। ये देखिए हमने कैटेगरी क्रिएट की, यहां पे यूनिट, अगर हमने यूनिट क्रिएट करना है ऑल्ट सी प्रेस करके, जैसे केजी के अंदर हम इसको बेचेंगे, यहां पे लिस्ट में से सिलेक्ट करेंगे किलोग्राम, मेरे ख्याल से क्लियर है। तो इस तरीके से आप ये बस तीन चीजें, नेम ऑफ आइटम, ग्रुप, कैटेगरी, यूनिट, यानी के यहां पर आपको ये पार्ट नंबर नहीं पूछेगा, यहां पे आपको ये डिस्क्रिप्शन नहीं पूछेगा, यहां पे रिमार्क्स नहीं पूछेगा, सिर्फ बैच डिटेल चाहिए यस कर दीजिए, ट्रैक मैन्युफैक्चरिंग डेट एक्सपायरी डेट यस कर दीजिए, और जितने भी आप आइटम क्रिएट करोगे उनके बैच मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी डेट ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाएंगे, और यहां पे आप 100 आइटम 200 आइटम जितनी मर्जी चाहे क्विकली क्रिएट कर सकते हैं। बाकी आइटम आप अपने आप क्रिएट कर लीजिएगा, थोड़ा टाइम सेव करेंगे। डिस्प्ले के अंदर जाकर ऑल आइटम पे क्लिक कर दीजिए, तो जितने भी आपने आइटम क्रिएट की हैं, जिस ग्रुप के अंदर क्रिएट की हैं, जिस कैटेगरी के अंदर क्रिएट की हैं, उनके यूनिट आपको ये लिस्ट इकट्ठी एक बार में दिखाएगा। अगर आपको एक पर्टिकुलर ग्रुप की देखनी है, जैसे रिलायंस फ्रेश के अंदर जो आपने इस ग्रुप के अंदर क्रिएट की है कौन कौन सी आइटम, रिलायंस, जैसे मान लीजिए हम एलजी स्मार्ट टीवी के अंदर कौन सी आइटम हमने क्रिएट की है, तो वो आपको दिखाएगा
आप ग्रुप वाइज भी देख सकते हो। अल्टर करना चाहें पर्टिकुलर ग्रुप वाइज, अगर आप अल्टर करना चाहते हैं वो अल्टर भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से फ्रेंड हम स्टॉक आइटम क्रिएट करते हैं, और स्टॉक आइटम क्रिएट करने के बाद अब हम अपनी एंट्रीज को क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे, यानी के सेल परचेज की बिजनेस की एंट्री को रिकॉर्ड करेंगे। अब हम फ्रेंड्स बात करेंगे कि कैसे हम इन्वेंट्रीज की एंट्रीज को टैली के अंदर रिकॉर्ड करते हैं। तो एंट्री को रिकॉर्ड करने से पहले एक और ऑप्शन हम फॉलो करने वाले हैं, वो क्या है ध्यान दीजिएगा। हमने F11 प्रेस करना है, इन्वेंट्री फीचर्स के अंदर जाना है और अपनी कंपनी को सिलेक्ट करना है, और इसके अंदर ये ऑप्शन होती है यूज सेपरेट डिस्काउंट कॉलम इन इनवॉइस। यानी अगर हम परचेज करते हुए या सेल करते हुए डिस्काउंट देना चाहते हैं, आपने देखा होगा डिस्काउंट सेल परचेज पे जो मिलता है, वो डिस्काउंट अगर आपने डालना है 10%, 15%, 20%, तो ये ऑप्शन आपने यूज सेपरेट डिस्काउंट कॉलम इन इनवॉइस, इसको आपने एक्टिवेट कर लेना है। और उसके बाद हम अब परचेज की एंट्री डालने वाले हैं, अकाउंटिंग वाउचर के अंदर चलेंगे, और परचेज की एंट्री डालने के लिए आपको F9 प्रेस करना है। तो ये परचेज वाउचर हमारा आ गया है, यहां पर हम बिल नंबर डालेंगे, यहाँ पे डेट डालेंगे, यहाँ पे पार्टी जिससे हमने गुड्स परचेज की हैं, जैसे ये किशन गोयल नाम जो सिलेक्ट कर लेते हैं हम, जिससे हमने गुड्स परचेज की हैं। तो मेरे ख्याल से क्लियर है आपको। और इसी तरीके से परचेज मान लेते हैं 18% GST के ऊपर गुड्स परचेज की हैं। अगर आप इस GST के कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से स्टडी करना चाहते हैं, तो मैंने इसकी अलग से परचेज सेल GST, ऑल परचेज सेल GST से रिलेटेड अलग वीडियो बना रखी है, वहां से आप देख सकते हैं। आज के इस लेक्चर के अंदर हम इन्वेंट्री की बात कर रहे हैं, तो इसकी बात नहीं करेंगे। और यहां पे जो हमने स्टॉक आइटम यानी के बनाई है, नेम ऑफ आइटम सेलेक्ट करेंगे, जो जो आइटम हमने परचेज की है, जैसे हमने LED स्मार्ट TV परचेज किया है, और यहाँ पे आपने ट्रैक नंबर, अभी हम ट्रैक नंबर की बात नहीं करेंगे, ये आपने नोट एप्लीकेबल करना है, ऑर्डर नंबर ये भी नोट एप्लीकेबल करना है, और यहाँ पे आपने गोडाउन सेलेक्ट करना है जहाँ पर हम अपनी ये जो गुड्स हम परचेज कर रहे हैं उनको हम रखेंगे। मान लेते हैं पटियाला स्टोर के अंदर हम ये गुड्स रखेंगे। यहाँ पे ये बैच नंबर पूछ रहा है कि जो हमने गुड्स खरीदी हैं उनका बैच नंबर क्या है। तो हर गुड्स का अपना, यानी कि ज़्यादातर ये मेडिसिन केस के अंदर बैच नंबर होते हैं, तो ये न्यू बैच नंबर के अंदर जो मेडिसिन के ऊपर या जो भी प्रोडक्ट हमने खरीदा उसके ऊपर जो बैच नंबर है वो डालेंगे। यहाँ पर क्वांटिटी डालनी है 100, जैसे डाल देते हैं एक्चुअल क्वांटिटी, और बिल क्वांटिटी आप देख रहे हो ये दो कॉलम आ रहे हैं, अभी आप इसको इग्नोर कीजिए, बस आप ये देख लीजिए कि यहाँ पर हमने क्वांटिटी डालनी है, जितनी क्वांटिटी हमने परचेज की है 100 pieces हमने परचेज किए हैं। यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग डेट डालनी है, जो हमारे प्रोडक्ट के ऊपर मैन्युफैक्चरिंग डेट लिखी होगी, यहाँ पे आपने एक्सपायरी डेट वो आपको प्रोडक्ट के ऊपर लिखी मिल जाएगी, वो आपने यहाँ पर डालना है। और इस तरीके से हम ये एक आइटम हमने परचेज कर ली है, अगली आइटम परचेज करेंगे। मान लेते हैं हमने ये दूसरी आइटम परचेज की है, यहाँ पे ट्रैक नंबर नोट एप्लीकेबल, यहाँ पे गोडाउन जहाँ पर हम अपनी गुड्स को रखेंगे, मान लेते हैं ये हम राजपुरा रोड पटियाला गोडाउन के अंदर रखेंगे, पीस हैं 10 जो हमने खरीदे हैं। और मान लेते हैं फ्रेंड्स हमने पटियाला राजपुरा रोड पटियाला के अंदर भी हमने ये गुड्स रखी हैं 10 goods, और फिर अगर हमने और किसी गोडाउन के अंदर भी गुड्स रखी हैं तो ट्रैक नॉट एप्लीकेबल फिर देंगे, और यहाँ पे दूसरा गोडाउन जहाँ पर हमने गुड्स रखी हैं, यानी जिस जिस गोडाउन में भी हमने गुड्स रखी हैं वो आप यहाँ पे इस तरीके से सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे सेक्टर चंडीगढ़ के अंदर भी हमने 20 ये LG के पीस खरीद कर रखे हैं, तो ये परचेज की एंट्री, यहाँ पर जितनी भी आइटम है एक बिल के अंदर जितनी हमने आइटम परचेज की है यहाँ पर आइटम डालते जाएंगे, और इसके नीचे आपने इनपुट CGST मान लेते हैं, ये गुड्स हमने विद इन द स्टेट परचेज की हैं, ये टैक्स अपने आप कैलकुलेट हो जाएगा। तो दो टैक्स लगेंगे, इनपुट CGST इनपुट SGST, तो दोनों टैक्स लगा दिए हैं। और यहाँ पे ये हमसे पूछेगा GST ई वे बिलिंग, अगर हमने ई वे बिलिंग यानी इलेक्ट्रॉनिक वे से इस बिल की एंट्री डाली है, क्योंकि आजकल ये GST का कॉन्सेप्ट कहता है कि अगर हम
सेल परचेज करते हैं तो उसके अंदर हमने ई वे बिलिंग सिस्टम यानी कि जो हमने परचेज की है वो हमें डिटेल इंटरनेट के ऊपर गवर्नमेंट की ये जो जीएसटी की साइट है उसके ऊपर डिटेल डालनी पड़ती है, जैसे सप्लायर का इनवॉइस नंबर, डेट, और उसके बाद आपने जिस पर्सन को हमने यानी कि गुड्स सोल्ड की हैं उसका नाम, उसका जीएसटी नंबर, स्टेट, उसका एड्रेस, पिन कोड, और ये ट्रांसपोर्ट डिटेल जिसके जरिए हमने गुड्स ट्रांसपोर्ट की हैं, डिस्टेंस, कितने डिस्टेंस पे गुड्स गई हैं यानी कि कितने डिस्टेंस से गुड्स आई हैं, 200 किलोमीटर, ट्रांसपोर्टर का नाम जिसने हमें ये गुड्स यानी कि माल लेते हैं ट्रक के जरिए गुड्स आई हैं, और यहाँ पे कोली ट्रक, कंपनी का नाम यानी कि जिस ट्रांसपोर्ट के जरिए गुड्स हमारे पास आई हैं, ट्रांसपोर्ट का आईडी नंबर जो वो हमें प्रोवाइड करेगा, यहाँ पे व्हीकल का नंबर जो ट्रक का नंबर होगा, जैसे हम मान लेते हैं ये पंजाब पीबी 01, यहाँ पे ये नंबर डाल दिया ट्रक का नंबर, व्हीकल यानी कि उसके बाद व्हीकल टाइप रेगुलर, और उसके बाद यहाँ पे डॉक्यूमेंट नंबर, अगर कोई डॉक्यूमेंट नंबर है, डेट, यहां पर इस तरीके से हम ये परचेज की एंट्री, यहां पे बिल नंबर हमने डालना है, यहां पे ध्यान दीजिए बिल नंबर डालना है, और उसके बाद हमने इस परचेज की एंट्री को सेव कर लेना है। तो इस तरीके से फ्रेंड्स हम परचेज की एंट्री, और इसी तरीके से सेम आप सेल की एंट्री को यानी विद इन्वेंट्री आप डाल सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स अब हम बात करेंगे अगर हमने और ज्यादा बेटर और ज़्यादा इसके अंदर सिस्टम को फॉलो करना है, जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं वो जो परचेज़ करती हैं, तो फ्रेंड्स वो जो कंपनीज परचेज करती हैं बड़ी बड़ी कंपनीज, तो वो तीन एंट्रीज जब वो गुड्स परचेज करती हैं तीन एंट्रीज डालती हैं, पहले परचेज ऑर्डर की एंट्री, फिर जब गुड्स यानी कि जब हम ऑर्डर प्लेस करते हैं, कैसे आइए आपको साथ साथ बताते हैं। तो आपने अगर तीन एंट्रीज डालनी है इस परचेज की, यानी परचेज एक होगी लेकिन तीन एंट्रियों के जरिए हम परचेज करेंगे, पहले हमने F11 प्रेस करना है और ये ऑप्शन होती है F11 के अंदर, फिर आपने F2 यानी इन्वेंट्री फीचर्स के अंदर जाना है, ये ऑप्शन होती है अनेबल परचेज ऑर्डर प्रोसेस, यानी हम पहले ऑर्डर प्लेस करना चाहते हैं, जो बड़ी कंपनीज है पहले ऑर्डर प्लेस करती हैं जो गुड्स खरीदनी होती हैं, तो ये हम ऑर्डर की एंट्री डालेंगे परचेज ऑर्डर, और अगर सेल करते हुए सेल ऑर्डर यानी कि जब हम सेल कर रहे हैं पहले हम अपने कस्टमर से ऑर्डर लेते हैं बाद में हम उनको गुड्स सोल्ड करते हैं, और ऐसे ही ये ऑप्शन होती है ट्रैक नंबर की। ट्रैक नंबर का मतलब जब हमने परचेज ऑर्डर भेजा तो गुड्स जब हमारे पास आ जाती हैं तो हम रसीट नोट के जरिए एंट्री को यानी कि जो गुड्स हमने रिसीव कर ली हैं उनकी एंट्री को रिकॉर्ड करते हैं, और सेल करते हुए डिलीवरी यानी हमने गुड्स की डिलीवरी कर दी है तो ये ट्रैक नंबर रिसीट ऑफ गुड्स और डिलीवरी ऑफ गुड्स के टाइम इसको डाला जाता है, इसको एक्टिवेट करेंगे। और अगर हमने रिजेक्शन इन एंड रिजेक्शन आउट यानी कि जब हम गुड्स को रिटर्न करते हैं, परचेज की हुई गुड्स को पहले हम रिजेक्शन आउटवर्ड के जरिए रिटर्न करेंगे, बाद में डेबिट नोड के अंदर हम परचेज रिटर्न की एंट्री डालते हैं, और ऐसे ही सेल रिटर्न के अंदर पहले हम रिजेक्शन इनवर्ड, सेल की हुई गुड्स जब हमारे पास वापस आती हैं और फिर हम उसको रिजेक्शन इनवर्ड के बाद हम क्रेडिट नोड वाउचर में डालेंगे, इस ऑप्शन को भी हम यस करेंगे। तो ये दो ऑप्शन मेनली फॉलो करेंगे, और सबसे पहले हम जैसे ही आप ये ऑर्डर प्रोसेस एक्टिवेट करोगे तो यहाँ पर ये अलग से एक ऑप्शन आ जाएगी ऑर्डर वाउचर, इसके अंदर जाना है और यहाँ पर ये परचेज ऑर्डर यानी ऑल्ट F4 प्रेस करना है कि हम अपने क्रेडिटर को ऑर्डर भेज रहे हैं। यहाँ पे क्रेडिटर का नाम सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे आपने ऑर्डर नंबर डालना है 1480 जो भी ऑर्डर नंबर होगा परचेज ऑर्डर नंबर। यहाँ पे परचेज अगर 18% की है, 12% की या नील रेट की, वो मैंने अलग से वीडियो बना रखी है, वहाँ देख सकते हैं ये अकाउंट कैसे बनता है। और उसके बाद यहाँ पे जो आइटम मैं आपको बता चुका हूँ क्रिएट करने, जैसे हमने सप्लाई बॉक्स खरीदे हैं, यहाँ पे गोडाउन जहाँ पर ये गुड्स हम रखेंगे करोल बाग दिल्ली के अंदर, क्वान्टिटी 200 बॉक्सेस हमने ये सप्लाई बॉक्सेस खरीदे हैं, रेट डालेंगे यहाँ पे, ये देखिए डिस्काउंट
ट्रेड डिस्काउंट, जो भी डिस्काउंट परचेज करते हुए हमें मिलेगा 5% या 10% वो हम डालेंगे, और उसके बाद जितनी भी हमारी आइटम जो हमने इस परचेज ऑर्डर के अंदर, यानी कि जो हमारा क्रेडिटर है उसको हमने ये ऑर्डर भेजा है, तो वो आपने यहाँ पर ऑर्डर सेट कर लेना है, यानी उसकी एंट्री डाल देनी है। तो ये हम एक LG का IPS 20 इंची LG की ये स्क्रीन खरीद रहे हैं, और इसको हम चंडीगढ़ ब्रांच के अंदर रखेंगे। यहाँ पे क्वांटिटी आएगी, हमने 50 पीसेस के खरीदे हैं रेट, तो ये इस तरीके से हम एंट्री डालेंगे। नीचे आपने मान लेते हैं इसको हमने विद इन द स्टेट परचेज किया है, इनपुट CGST SGST लगाएंगे, ये परचेज ऑर्डर की, यानी हमने ऑर्डर प्लेस कर दिया है। अब ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, जैसे ही आप परचेज ऑर्डर की एंट्री को सेव कर लोगे और आप देखोगे, आइए आपको दिखाते हैं, डिस्प्ले के अंदर चलेंगे और उसके बाद आपने इन्वेंट्री यानी स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री के अंदर गोडाउन के अंदर जाना है। यहाँ पे आप देखोगे करोल बाग दिल्ली के अंदर जो हमने गुड्स भेजी थी, यहाँ पे अभी कोई परचेज नहीं आई, यानी अभी हमने तो ऑर्डर प्लेस किया है। जब हम ऑर्डर प्लेस करते हैं तो हमारे गोडाउन में अभी गुड्स नहीं आई। गुड्स कब आएंगी वो मैं आपको बताऊंगा। परचेज ऑर्डर मियरली एक आप कह सकते हो ये एक क्या है, एक तरह का सिर्फ मेमोरी में रखने के लिए कि हमने कौन कौन सी गुड्स मंगाई है, हम इसकी एंट्री टैली के अंदर डालते हैं। और अगर आप ये देखना चाहते हो हमने कौन कौन से ऑर्डर प्लेस किए हैं, तो आप स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री के अंदर ही आपको ये मिल जाएगा। परचेज ऑर्डर आउटस्टैंडिंग के अंदर जाकर आप देख सकते हैं कि कौन कौन से ऑर्डर जो हमने प्लेस किए हैं वो आउटस्टैंडिंग है। स्टॉक ग्रुप के अंदर जाकर आप ग्रुप वाइज देख सकते हैं कि हमने ये जो LG का कोई सामान मंगाया है उसके कितने ऑर्डर पेंडिंग हैं, तो ये हमें बता रहा है कि LG की हमने 25 पीसेस मंगवाए हैं लेकिन अभी हमारे पास पहुंचे नहीं हैं। अगर आप स्टॉक कैटेगरी के अंदर जाकर देखोगे तो आप देख सकते हो कि कितने LED TV आपने मंगवाए हैं लेकिन हमारे तक नहीं पहुंचे, या हमने यहाँ पे आप देख सकते हो इलेक्ट्रॉनिक आइटम कितनी है जो हमने मंगवाई है लेकिन हमारे पास नहीं पहुंची, तो ये आप देख सकते हो पेंडिंग ऑर्डर, ग्रुप वाइज भी देख सकते हो, कैटेगरी वाइज भी, या आइटम के अकॉर्डिंगली भी। जैसे आपने सप्लाई बॉक्स देखना है कि आपने ऑर्डर प्लेस किया है लेकिन अभी तक हमने ये रिसीव नहीं किए, तो ये पेंडिंग ऑर्डर, ऊपर देखिए लिखा भी हुआ है पेंडिंग ऑर्डर, यानी अभी तक हमने ये गुड्स रिसीव नहीं की। तो इस तरीके से आप यहाँ पे ऑल ऑर्डर के अंदर जाकर जितने भी ऑर्डर हमने प्लेस किए हैं आउटस्टैंडिंग है, यानी हमने गुड्स ऑर्डर प्लेस कर दिया अभी तक हमारे पास गुड्स नहीं पहुंची हैं, तो आप ऑल परचेज ऑर्डर के अंदर जाकर चेक कर सकते हैं। नाम से ही पता चल रहा है परचेज ऑर्डर पेंडिंग। और ऐसे ही अगर आप इसके बाद एंट्री रिकॉर्ड करना चाहते हैं, मान लेते हैं कुछ टाइम बाद हमारे पास गुड्स आ जाती हैं, तो जब हम गुड्स रिसीव कर लेते हैं, हमारे बिजनेस में गुड्स आएंगी, तो हम इन्वेंट्री वाउचर के अंदर जाएंगे। इन्वेंट्री वाउचर के अंदर यहाँ पे ऑप्शन होती है रिसिट नोट, Alt F9, रिसिट नोट के ऊपर हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे पार्टी का नाम जिससे हमने गुड्स यानी कि मंगवाई है, गुड्स हमारे पास आ गई किशनलाल, और यहाँ पे ऑर्डर नंबर आ जाएंगे कि कौन से ऑर्डर का माल हमने रिसीव कर लिया है। यहाँ पे आपने ऑर्डर नंबर सेलेक्ट कर लेना है और उसके बाद आगे आपने फ्रेंड्स ध्यान देना है, यहाँ पे डिटेल अपने आप आ जाएगी इस ऑर्डर की, अपने आप यहाँ पे जो इस ऑर्डर के अंदर हमने गुड्स मंगवाई थी वो डिटेल अपने आप आ जाएगी। सप्लाई बॉक्स यहाँ पे देख सकते हो, ये अगर आपने अब इसको जब हमारे पास गुड्स आ जाती हैं, जब हम इस एंट्री को रिसिट नोट वाउचर में डालेंगे, यहाँ पे आपने न्यू नंबर के अंदर ट्रैक नंबर देना है। याद रखना है जब हम रिसिट वाउचर की एंट्री डालते हैं वहां पे हमने, जब ये आइटम के अंदर पूछेगा एंटर द ट्रैक नंबर, यहाँ पे न्यू नंबर 111 जैसे हम ट्रैक नंबर दे देते हैं, और ये ऑर्डर नंबर 1480 जो हमने गुड्स रिसीव की है, कहाँ पर ये पहुंची है, करोल बाग दिल्ली के अंदर। और ये क्वांटिटी देखिए स्टूडेंट, अगर जितनी क्वांटिटी हमने ऑर्डर के अंदर डाली थी अगर उतनी ही क्वांटिटी आई है तो वेल एंड गुड, अगर कम आई है तो आप यहां पे कम क्वांटिटी भी डाल सकते हैं, अगर ज्यादा आई है तो आप यहां पर
फ्रेंड्स ज़्यादा क्वांटिटी भी डाल सकते हैं, और सेम रेट पर आई है तो रेट सेम, यहाँ पे डिस्काउंट ऑटोमेटिकली आ जाएगा। हमने जब ऑर्डर भेजा था तब डाल दिया था। और ये देखिए ट्रैक नंबर, एक बार फिर से न्यू ट्रैक नंबर, वही सेम 111 हम ये ट्रैक नंबर दे सकते हैं। अगर कोई नया ट्रैक नंबर देना है, हर आइटम को अलग ट्रैक नंबर देना है, अलग ट्रैक नंबर भी दे सकते हैं। और एक ही एंट्री के अंदर अगर सेम ट्रैक नंबर रखना है, सेम ट्रैक नंबर आप रख सकते हैं, और इसके बाद आपने एंट्री को सेव कर लेना है। बाकी डिटेल हमने परचेज ऑर्डर के टाइम डाल दी थी, बस रिसिप्ट नोट के अंदर आपने याद रखना है कि ट्रैक नंबर डालना है। इसके जरिए हमें पता चलेगा कि कौन कौन सी गुड्स हमने रिसीव कर ली है, इस ट्रैक नंबर से हमें रिसिप्ट की हुई गुड्स का पता चलेगा। और फ्रेंड्स जैसे ही आप रिसिप्ट नोट वाउचर में एंट्री डाल देते हो, अगर आप अब डिस्प्ले के अंदर जाकर देखोगे, स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री के अंदर, गोडाउन के अंदर, अब अगर आप दिल्ली का ये करोल बाग जो है गोडाउन यहाँ पर देखोगे, आपके जो सप्लाई बॉक्स यहाँ पर क्वांटिटी आ जाएगी, आप देख सकते हो क्वांटिटी आ गई है। यानी जैसे ही हम रिसिट नोट में एंट्री डाल देते हैं, हमारे गोडाउन के अंदर क्वांटिटी इंक्रीज हो जाती है। बस ये याद रखना है, रिसिट नोट में एंट्री डालते ही हमारी गोडाउन में क्वांटिटी इंक्रीज हो जाएगी। और अकाउंट बुक्स के अंदर अगर आप लेजर के अंदर जाकर देखोगे, ये किशन कुमार का अकाउंट, तो ये जो हमने एंट्री डाली थी फ्रेंड्स, जो अभी एंट्री डाली थी सप्लाई बॉक्स की, आपको वो एंट्री यहां पे नजर नहीं आ रही, क्योंकि अभी तक हमने परचेज की एंट्री नहीं डाली है। जैसे ही हम परचेज की एंट्री डालेंगे तो ये जो पर्सन जिससे हमने गुड्स परचेज की है, वो पर्सन क्रेडिट हो जाएगा। ये पर्सन क्रेडिट तब होगा जब हम परचेज की एंट्री डालें। रिसिट नोट में एंट्री डालने पर सिर्फ क्वांटिटी बढ़ती है, और जैसे ही आप अकाउंटिंग वाउचर के अंदर जाकर परचेज की एंट्री, यानी अब हमारी ये जो परचेज हो रही है ये कंप्लीट होगी, यहाँ पे हम बिल नंबर डालेंगे, डेट, पार्टी सिलेक्ट करेंगे किशन, और यहाँ पे ट्रैक नंबर 111, यानी जिस ट्रैक की गुड्स हमारे पास आई हैं, और उन गुड्स की हम परचेज की एंट्री डाल रहे हैं कि हमने इस पर्सन को पैसे देने हैं। ये ऑर्डर नंबर 1480 अपने आप ऑटोमेटिकली आ जाएगा, और उसके बाद आप देखोगे परचेज एंट्री, सारी की सारी एंट्री अपने आप ऑटोमेटिकली यहाँ पर परचेज बिल के अंदर आपको नजर आएगी। यहाँ पर आपने सिर्फ ऊपर टॉप पर बिल नंबर डालना है, बाकी सारा कुछ ये अपने आप डाल देगा, कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं। और आप एंट्री को सेव कर लीजिए, और अब अगर आप डिस्प्ले के अंदर जाओगे, अकाउंट बुक्स के अंदर, लेजर के अंदर जाकर किशन कुमार का अकाउंट देखोगे, अब आपको ये परचेज की एंट्री जो हमने ये अभी डाली है, यानी कि पहले सिर्फ क्वांटिटी इंक्रीज हुई थी, जैसे ही परचेज की एंट्री डाल दी तो ये हमारी जो पार्टी है, ये जो किशन कुमार है, ये क्रेडिट हो जाएगा। यानी कि ये अब हमारी एंट्री कंप्लीट हो गई है। यानी कि इस परचेज को, ये एक परचेज को हमने तीन ट्रांजेक्शन के जरिए रिकॉर्ड किया, पहले परचेज ऑर्डर, फिर गुड्स हमारे पास आई रिसिट नोट, और उसके बाद ये हमने डाल दिया, आप देख सकते हो परचेज की एंट्री डाल दी है। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। इसी तरीके से कई बार फ्रेंड्स इस तरीके से हम परचेज की एंट्री डालना चाहते हैं, जैसे हमने जो गुड्स परचेज की हैं, हमने क्वांटिटी जो परचेज की है, एक्चुअल क्वांटिटी कुछ और है, बिल की क्वांटिटी कुछ और है, तो अगर आपने एक्चुअल क्वांटिटी और बिल क्वांटिटी में फर्क डालना है, कैसे, अभी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले अगर आपने एक्चुअल क्वांटिटी और बिल क्वांटिटी अलग अलग डालनी है, तो आपने F11 के अंदर जाना है, इन्वेंट्री फीचर के अंदर, ये देखिए हम आ गए हैं इन्वेंट्री फीचर्स के अंदर, ये ऑप्शन होती है यूज सेपरेट एक्चुअल एंड बिल क्वांटिटी, आपने इसको यस करना है। तो ये क्या करेगा, हमें दो कॉलम क्वांटिटी के देगा। तो आपने देखा मैंने पहले ही ये यस कर रखा है, इसीलिए मेरा ये यहाँ पे क्वांटिटी के दो कॉलम आ रहे हैं एक्चुअल बिल। अब मैं आपको इसका फर्क बताता हूँ। मान लीजिए हमने गुड्स परचेज की हैं, ठीक है, ये किशन कुमार से हमने गुड्स परचेज की हैं, और यहाँ पर आइटम सेलेक्ट करेंगे, सप्लाई बॉक्स परचेज किए हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर पहले आप परचेज ऑर्डर की एंट्री डालिए, फिर आप रिसिट नोट की, वो अपने आप डाल लीजिएगा, थोड़ा टाइम सेव करेंगे हम। और यहाँ पे गोडाउन सेलेक्ट करेंगे, हमने ये
सेक्टर 14 चंडीगढ़ के अंदर गुड्स को रखना है। और अब ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, यहाँ पे एक्चुअल क्वांटिटी मान लेते हैं, जो हमने ये सप्लाई बॉक्स खरीदे हैं वो 150 है, और लेकिन जो हमसे उसने पैसे लिए हैं वो 120 पीसीस के लिए हैं, यानी कि क्वांटिटी हमें ज्यादा मिली है 150, लेकिन जो उसने हमसे पैसे लिए हैं वो 120 के लिए है। तो जितने के उसने पैसे लिए हैं वो आपने बिल्डर कॉलम में डालना है, यानी कि ये मल्टीप्लाई करेगा 120 को 550 से, और हमने पैसे देने हैं 66,000, लेकिन क्वांटिटी कितनी आई है, एक्चुअल में हमारे पास क्वांटिटी कितनी आई है 150 की, तब हम इस एक्चुअल बिल क्वांटिटी का यूज करते हैं। हाँ, अगर दोनों क्वांटिटी सेम है, ये भी 150 है और बिल भी 150 का बना है, तो यहाँ पर आप दोनों सेम भी डाल सकते हो, लेकिन एक्चुअल क्वांटिटी जो हमने रिसीव की है वो ज़्यादा है, लेकिन जो उसने हमसे पैसे लिए हैं वो 120 पीसीस के लिए हैं। तो आप इस तरीके से एक्चुअल क्वांटिटी और बिल क्वांटिटी अलग अलग डाल सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद आगे तो आपको पता है इनपुट CGST, इनपुट SGST हम किस तरीके से चार्ज करते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको ये एंट्री डालनी आती है। और ऐसे ही फ्रेंड्स, अगर हमने सेल की एंट्री डालनी है ऑर्डर के हिसाब से, तो आप ऑर्डर वाउचर के अंदर जाइए, पहले परचेज ऑर्डर की डाली थी, सेल ऑर्डर की डालने के लिए ऑल्ट F5 करना है, और यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे, जिससे अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं कुनाल एंड ट्रेडर्स, जिसको हमने गुड्स सोल्ड किए हैं, ये कुनाल ट्रेडर है, सन्ड्री डेटर के अंदर इसको ओपन करेंगे। तो इस तरीके से आपने ये अकाउंट खोल लेना है, और उसके बाद आपने यहाँ पे डिटेल तो आपको डालनी आती है, कैसे हम ऑर्डर डिटेल डिस्पैच डिटेल डालेंगे, यहाँ पे ऑर्डर नंबर डालेंगे 1800, यानी सेल ऑर्डर हमने रिसीव किया है सेल एट द रेट ऑफ 18% GST, जो आइटम का ऑर्डर हमने रिसीव किया है रैम, जैसे ये रैम है हमारी क्वांटिटी जो हमने सेल करनी है, और यहाँ पर ये ड्यू डेट होती है फ्रेंड्स, ये डेट भी देख लीजिए, ये ड्यू डेट है, ड्यू डेट का मतलब जिस दिन हम ये गुड्स उसको सप्लाई करेंगे, जिस डेट तक, यानी हम ये 1 अप्रैल तक उसको गुड्स सप्लाई करेंगे, और कौन से गोडाउन से हमारी ये गुड्स निकलेंगी, इस गोडाउन 22 नंबर पटियाला से, कितनी हमने 100 पीसीस बेचे हैं, और जो हमने पैसे लिए हैं वो 80 पीसीस के लिए हैं, रेट है 1100। तो मेरे ख्याल से क्लियर है कि रेट 1100 का है, हमने जो पैसे लिए हैं वो 80 पीसीस के लिए हैं, यहाँ पे डिस्काउंट डाल देंगे 5%, अमाउंट आ जाएगी। और इस तरीके से फ्रेंड्स हम एंट्री को डालते हैं, और नीचे हम लगाएंगे आउटपुट, मान लेते हैं हमने अपनी ही स्टेट के अंदर ये गुड्स परचेज की हैं, यहाँ पे हम आउटपुट CGST 9% और आउटपुट SGST हम 9% कैलकुलेट करेंगे। तो ये सेल ऑर्डर की एंट्री आप देख सकते हो, यानी पहले हमने कस्टमर से ऑर्डर रिसीव किया है, और ऐसे ही फ्रेंड्स आपने इसके बाद डिलीवरी की एंट्री डालनी है, यानी हमने अपने कस्टमर को जब गुड्स डिलीवर कर दी हैं, हमारे गोडाउन में से गुड्स चली गई हैं, डिलीवरी नॉट शॉर्टकट की ऑल्ट F8 के अंदर हम एंट्री डालेंगे, यहाँ पे पार्टी सिलेक्ट करेंगे, नाम है कुनाल ट्रेडर, ठीक है, यहाँ पे ऑर्डर 1800 का ऑर्डर नंबर, जो ऑर्डर की गुड्स हमने अपने कस्टमर को डिलीवर कर दी हैं वो ऑर्डर नंबर हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, सेल लेजर आएगा, ठीक है, ये बाकी डिटेल अपने आप आ जाएगी बिल्कुल वैसे ही जैसे रिसिट नोट के अंदर किया था। और यहाँ पर ये ट्रैक नंबर, यानी जब हम गुड्स डिलीवर करते हैं तो ये ट्रैक नंबर के जरिए पता चल जाएगा कि हमने गुड्स डिलीवर कर दी हैं। तो ट्रैक नंबर का मतलब हमने गुड्स डिलीवर कर दी हैं। तो आपने ये हर आइटम का अगर अलग अलग ट्रैक नंबर डालना चाहते हैं, अलग अलग भी डाल सकते हैं, सेम डालना है, एक ही डिलीवरी नोड के अंदर आप सेम ट्रैक नंबर डाल सकते हैं, और उसके बाद आपने एंट्री को सेव कर लेना है। और उसके बाद आप देखोगे आपके गोडाउन में से क्वांटिटी रिड्यूस हो जाएगी। लेकिन अगर हम डिस्प्ले के अंदर जाकर, अकाउंट बुक्स के अंदर जाकर, लेजर के अंदर जाकर, अगर हम इस ये जो हमारा कुनाल एंड ट्रेडर है इसका अकाउंट देखेंगे, यहाँ पे इसने डेबिट नहीं किया कि हमने इससे पैसे लेने हैं, क्योंकि अभी तक हमने सेल की एंट्री नहीं डाली है। और एक और फ्रेंड्स,
अगर आप जानना चाहते हैं ये, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स के अंदर जाइए, आउटस्टैंडिंग के अंदर, सॉरी इन्वेंट्री के अंदर ही चलेंगे, यहाँ पे ये स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री के अंदर यहाँ पे ये ऑप्शन होती है परचेज बिल पेंडिंग, सेल बिल पेंडिंग। सेल बिल पेंडिंग के ऊपर क्लिक कीजिए, ये आपको बताएगा कि गुड्स डिलीवर बट नॉट बिल नॉट इशूड, यानी कि गुड्स डिलीवर हो गई है लेकिन हमने सेल की एंट्री नहीं डाली। तो यहां से सेल बिल पेंडिंग से आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन से बिल पेंडिंग है, यानी हमने गुड्स तो डिलीवर कर दी हैं लेकिन अभी तक हमने सेल की एंट्री नहीं डाली। और परचेज बिल पेंडिंग से आपको यह पता चल जाएगा कि कौन कौन सी गुड्स ऐसी हैं जो हमने रिसीव कर ली हैं लेकिन उनकी हमने परचेज की एंट्री अभी तक रिकॉर्ड नहीं की। तो इस तरीके से फ्रेंड्स हम इस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं और उनकी डिटेल देख सकते हैं। और अब हम अकाउंटिंग वाउचर के अंदर जाकर सेल वाउचर के अंदर हम ये मान लेते हैं हमने इस किशन को जो सेल कर दी है उसकी सेल की एंट्री, कुणाल को सॉरी सेल कर दी है, ये उसका ट्रैक नंबर जो हमने उसको गुड्स डिलीवर की है, और उसके बाद बाकी डिटेल ये ऑर्डर नंबर 1800 जो ऑर्डर उसने हमें प्लेस किया था। उसके बाद हम इस एंट्री को, ये देखिए अपने आप डिटेल आ जाएगी, बस आपने इस एंट्री को सेव कर लेना। तो इस तरीके से फ्रेंड्स हम परचेज ऑर्डर प्रोसेस और सेल ऑर्डर प्रोसेस को फॉलो करते हैं। तो फ्रेंड्स अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हम रिजेक्शन इन और आउट की एंट्रीज डालेंगे। जैसे हमने गुड्स परचेज की और उनमें से कुछ गुड्स हमें डैमेज कंडीशन में मिली, तो हम उन गुड्स को इन्वेंट्री वाउचर के अंदर जाएंगे, यहां पर ऑप्शन होती है रिजेक्शन आउट की, यानी जो गुड्स हमने अपने बिजनेस में से आउट कर दी हैं उनको हम रिजेक्शन करने का मतलब कोई ना कोई रीजन हो सकता है डैमेज होने की वजह से या बेटर क्वालिटी की नहीं थी, तो हम रिजेक्शन आउट के अंदर पहले उस एंट्री को रिकॉर्ड करेंगे। और मान लेते हैं हमने ये जो गुड्स रिजेक्ट आउट की हैं किशन कुमार को की हैं, यहाँ पर उसका नाम एड्रेस अपने आप आएगा, और यहाँ पर हम आइटम जो जो गुड्स हमने उसको रिजेक्ट की हैं, सप्लाई बॉक्स कुछ अच्छी क्वालिटी के नहीं थे, और यहाँ पर ट्रैक नंबर डालेंगे। हमेशा याद रखिए जब भी हम रिसीव करते हैं गुड्स या डिलीवर करते हैं, रिजेक्शन इन होती है या रिजेक्शन आउट होती है, तब हम ट्रैक नंबर के जरिए उस क्वांटिटी को ट्रैक करते हैं कि हमने कौन सी गुड्स क्या की हैं, रिसीव की हैं या डिलीवर की हैं या रिजेक्शन इन हुई है, रिजेक्शन आउट हुई है, यहाँ पे ऑर्डर नंबर नॉट एप्लीकेबल, और कहाँ से कौन से गोडाउन से हमने गुड्स ये रिजेक्टेड की हैं, करोल बाग से हम यहाँ पे 15 पीस हमने आउट किए हैं, बिल अमाउंट 15, एक्चुअल क्वांटिटी 15, रेट, और यहाँ पे अगर कोई डिस्काउंट है तो डिस्काउंट डाल सकते हैं, यानी जो जो क्वांटिटी हमने रिजेक्ट की है वो क्वांटिटी की एंट्री आपने यहाँ पर डाल देनी है। सिर्फ यहाँ पे रिजेक्शन आउट के अंदर क्वांटिटी, रेट और आपने अमाउंट डालनी है, और उसके बाद इस एंट्री को जो जो आइटम हमने इस पर्सन को आउट की है, रिजेक्ट आउट की है, वो डाल देनी है। और उसके बाद आप देखोगे हमारे गोडाउन में से, जो हमारा गोडाउन है वहां से क्वांटिटी रिड्यूस हो जाएगी, लेकिन ये जो हमारी पार्टी है ना फ्रेंड्स, ये जो हमारा किशन है, ये डेबिट नहीं होगा। आपको पता है जब हम गुड्स रिजेक्ट कर देते हैं तो पार्टी डेबिट होती है, अगर आप चाहते हैं ये पार्टी डेबिट हो जाए जितनी अमाउंट हमने इसको रिटर्न की है, तो अकाउंटिंग वाउचर के अंदर हम इस एंट्री को डेबिट नोट और क्रेडिट नोट वाउचर के अंदर डालेंगे। ये डेबिट क्रेडिट नोट हमें एक्टिवेट करने पड़ते हैं, F11 के अंदर जाकर आपने इन्वेंट्री फीचर के अंदर जाना है, तो ये ऊपर ऑप्शन होती है, ये पड़े हैं डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, रिकॉर्ड क्रेडिट नोट इन इनवॉइस मोड, रिकॉर्ड डेबिट नोट इन इनवॉइस मोड, इन ऑप्शंस को आपने एक्टिवेट कर लेना है। उसके बाद आपके ये डेबिट क्रेडिट नोट एक्टिवेट हो जाएंगे और ये जो परचेज रिटर्न है फ्रेंड्स, इसकी एंट्री हम डेबिट नोट वाउचर के अंदर डालते हैं, और ये नीचे इनवॉइस मोड यानी शॉर्टकट की कंट्रोल भी एज अ इनवॉइस मोड के अंदर डालेंगे। यहाँ पे हमने परचेज करते हुए जो बिल नंबर था वो यहाँ पर डालना है, और यहाँ पे डेट
जो परचेज बिल के ऊपर डेट थी, जो पार्टी है जिसको हमने गुड्स रिटर्न की है, और यहाँ से ट्रैक नंबर के जरिए ये जो हमने रिजेक्शन आउट की है गुड्स, ट्रैक नंबर के जरिए हम इसको ट्रैक करेंगे फ्रेंड्स। और उसके बाद आप देखोगे यहाँ पे हमने परचेज एट द रेट ऑफ 18% सेलेक्ट करना है, क्वांटिटी अपने आप आ जाएगी। और यहाँ पे ये देख सकते हो अपने आप क्वांटिटी आ गई है, और यहाँ पर नीचे इनपुट CGST और इनपुट SGST लगाकर इस एंट्री को मान लेते हैं हमने विद इन द स्टेट ये गुड्स की जो है वो रिटर्न की है। ये एंट्री को आपने सेव कर लेना है, और एंड में आपसे ये पूछेगा GST डिटेल के अंदर कि आप डेबिट नोट वाउचर में एंट्री क्यों डाल रहे हैं। यहाँ पे हम ऑप्शन अदर सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है, यहाँ पे अदर ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे सप्लायर की तरफ से भी जो हम ये डेबिट नोट उसको इशू कर रहे हैं, सप्लायर की तरफ से हमें क्रेडिट नोट दिया जाएगा, उस क्रेडिट नोट नंबर को आपने यहाँ पर डालना है फ्रेंड्स। और यहाँ पे जो क्रेडिट नोट उसने हमें इशू किया है हम उसको डेबिट नोट देंगे, जो हमारा क्रेडिटर है वो हमें डेबिट नोट देगा, वो क्रेडिट नोट देगा, तो वो हम यहाँ पर नंबर और डेट और उसके बाद इस एंट्री को एडजस्ट करेंगे। तो हमने इस एंट्री को बिल नंबर सेलेक्ट करके जिस बिल की हमने गुड्स रिटर्न की है उस बिल में से हमने इस अमाउंट को फ्रेंड्स एडजस्ट कर लेना है। और ऐसे ही फ्रेंड्स हम रिजेक्शन इन, बिल्कुल सिमिलर एंट्री, रिजेक्शन इन का मतलब जब हमारे कस्टमर हमें गुड्स रिटर्न कर देते हैं, शॉर्टकट की कंट्रोल F6 ये प्रेस करेंगे, यहाँ पे मान लेते हैं ये जो पर्सन कुणाल जिसने हमें गुड्स रिटर्न की हैं, कौन सी गुड्स रिटर्न हुई हैं, मान लेते हैं ये रैम उसने हमें रिटर्न की है, यहाँ पे ट्रैक नंबर डालेंगे जो गुड्स रिटर्न होकर आई हैं। तो ये आप देखोगे जिस गोडाउन के अंदर हम ये गुड्स वापस रखेंगे 10 बॉक्सेस उसने हमें रिटर्न किए हैं, 10 पीसीज उसने हमें रिटर्न किए हैं, और उसके बाद यानी जो जो गुड्स हमारे कस्टमर ने हमें रिटर्न की हैं रिजेक्शन इन के अंदर डाल देंगे। और जैसे ही आप एंट्री रिजेक्शन इन के अंदर डालोगे हमारी जो क्वांटिटी है वो इंक्रीज हो जाएगी, हमारे गोडाउन के अंदर हमारे इस 22 नंबर फाटक पटियाला के अंदर क्वांटिटी इंक्रीज हो जाएगी। और जैसे ही हम रिजेक्शन आउट की एंट्री डालते हैं हमारी क्वांटिटी रिड्यूस हो जाती है, और इसके बाद हम क्रेडिट नोट वाउचर के अंदर यानी पार्टी को हम क्रेडिट करते हैं जब सेल रिटर्न होती है एज इनवॉइस, इस एंट्री को हम डालेंगे जो ओरिजिनल सेल बिल नंबर, यहाँ पे ओरिजिनल सेल बिल नंबर और उसकी डेट और वो पर्सन जिसको हमने गुड्स ये वापिस जिससे ली है, और ये ट्रैक नंबर यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। और देख सकते हो ये हमारी एंट्री आ गई है, सेल एट द रेट ऑफ 18%, और यहाँ पे क्वांटिटी अपने आप आ जाएगी, आपने नहीं डालनी, और ये ट्रैक नंबर अपने आप ट्रैक करेगा। और उसके बाद यहाँ पे आपने आउटपुट मान लेते हैं विद इन द स्टेट ये गुड्स हमारे पास वापिस आई हैं, तो आउटपुट CGST SGST लगाएंगे, GST डिटेल, और यहाँ पे हम रीजन सेलेक्ट करेंगे, हम क्रेडिट नोट वाउचर के अंदर एंट्री इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि सेल रिटर्न हुई है। और यहाँ पे ये जो हमारा कस्टमर है वो हमें डेबिट नोट देगा, यानी अगर हमारे पास डेबिट नोट नंबर है तो वो डेबिट नोट नंबर और डेट आपने यहाँ पर डाल देनी है। तो मेरे ख्याल से फ्रेंड्स क्लियर है। और उसके बाद हम बिल, जिस बिल के अगेंस्ट हमने सेल की थी उसमें से ये अमाउंट 12,980 को एडजस्ट कर देंगे, और इस तरीके से हम ये क्रेडिट नोट वाउचर के अंदर फ्रेंड्स एंट्री को रिकॉर्ड करते हैं। तो ये प्रोसीजर है हमारा इन्वेंटरी सिस्टम का, परचेज सेल का। तो चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, चलिए फ्रेंड्स अब हम आगे फर्दर इस कॉन्सेप्ट को स्टडी करेंगे, यानी अब हम बात करने वाले हैं एक्चुअल क्वांटिटी और बिल क्वांटिटी। तो ये एक्चुअल बिल क्वांटिटी क्या होता है ध्यान दीजिएगा, पहले हम इसकी एक्टिवेशन करेंगे। F11 के अंदर जाकर इन्वेंटरी फीचर्स के अंदर जाकर अपनी कंपनी को सिलेक्ट करके आपने ये ऑप्शन होती है यूज सेपरेट एक्चुअल एंड बिल क्वांटिटी कॉलम, वैसे तो पहले ही मैंने इसको एक्टिवेट कर रखा है, आपने परचेज सेल टाइम देखा भी होगा ये ऑप्शन आ रही थी, आप लोग सोच रहे होंगे ये कैसी ऑप्शन है, तो समझिए अब ये कैसी ऑप्शन है। इसको एक्टिवेट करने के बाद जब हम अकाउंटिंग वाउचर के अंदर
यहाँ पे मान लेते हैं हमने एक बिल के अकॉर्डिंगली परचेज की है, बिल नंबर डाल दिया और यहाँ पे पार्टी का नाम डालेंगे जिससे हमने परचेज की है, राज कुमार गुप्ता से परचेज हुई है, एट द रेट ऑफ 12% पे परचेज हुई है, हमने सप्लाई बॉक्स खरीदे हैं, ठीक है। अगर हमने सेल ऑर्डर परचेज ऑर्डर फॉलो किया है तो आप ट्रैक नंबर डाल सकते हैं, नहीं तो नॉट एप्लीकेबल दे दीजिए। लिस्ट ऑफ ऑर्डर नॉट एप्लीकेबल यानी जब हम परचेज की डायरेक्ट एंट्री डालेंगे तो ये ट्रैक नंबर और ऑर्डर नंबर नॉट एप्लीकेबल। गोडाउन सेलेक्ट करेंगे जहां पर हम अपनी गुड्स को रखेंगे, मान लेते हैं ये दिल्ली हेड ऑफिस के अंदर हमने गुड्स रखनी है, एक्चुअल क्वांटिटी 100 है लेकिन जो हमसे वो चार्जेस लेगा यानी जो वो परचेज बिल की अमाउंट बनाएगा वो 80 बॉक्सेस की बनाएगा, यानी कि जो हमने पैसे देने हैं, मनी देनी है वो 80 पीसेस की देनी है लेकिन जो हमें पीस एक्चुअल में मिले हैं वो 100 मिले हैं। यानी जब हम अपनी क्वांटिटी को देखेंगे गोडाउन के अंदर इस दिल्ली हेड ऑफिस के अंदर तो वहां पे क्वांटिटी 100 दिखाएगा क्योंकि क्वांटिटी 100 मिली है लेकिन जो उसने हमसे पैसे लिए हैं वो 80 पीसेस के लिए है और रेट 550 यानी ये जो अमाउंट कैलकुलेट हुई है ये 80 × 550 के बेस पे कैलकुलेट हुई है। इसको बोलते हैं एक्चुअल क्वांटिटी अलग है, जो बिल क्वांटिटी है यानी जितने पैसे, बिल क्वांटिटी का मतलब जितने पैसे हमने उसको क्वांटिटी के बेस पे देने हैं वो होता है बिल क्वांटिटी, तो 80 × 550 के अकॉर्डिंग देने हैं। तो इस तरीके से हम ये एंट्री को क्वांटिटी एक्चुअल 100, बिल क्वांटिटी 80, जो बिल बनेगा वो बिल क्वांटिटी के अकॉर्डिंग बनेगा और जो हमारे गोडाउन के अंदर क्वांटिटी दिखाएगा वो 100 पीसीस दिखाएगा। तो इस तरीके से फ्रेंड्स हम एंट्री डालेंगे और उसके बाद जो टैक्स होगा इनपुट CGST वो तो आपको पता है, बताने की जरूरत नहीं, वो हम डाल देंगे। तो इस तरीके से फ्रेंड्स हम ये GST की एंट्री को डालते हैं। और एक्चुअल और बिल क्वांटिटी में कैसे फर्क डाल सकते हैं, जब हमें एक्चुअल क्वांटिटी ज़्यादा मिलती है और बिल कम लगता है, तो मेरे ख्याल से क्लियर है और बिल नंबर डालकर आप एंट्री सेव कर लीजिए। तो ये ट्रीटमेंट है एक्चुअल और बिल क्वांटिटी का। और अब हम बात करेंगे फ्रेंड्स जीरो रेट ट्रांजेक्शन की, यानी कि कई बार ऐसे होता है जब हम कोई क्वांटिटी परचेज करते हैं तो हमें उसके साथ हम ज़्यादा क्वांटिटी परचेज कर लेते हैं, जैसे हमने सप्लाई बॉक्स खरीदा, रैम खरीदी और बहुत सारा हमने मटेरियल खरीद लिया तो कुछ चीज़ें हमें फ्री में मिल जाती हैं। तो वो एंट्री हम कैसे, जो फ्री में मिलेंगी उसकी हमने कोई कॉस्ट तो पे नहीं की तो उसकी एंट्री कैसे रिकॉर्ड करेंगे, उसके लिए आपने यानी कि जब भी आपको ट्रांजेक्शन बिना वैल्यू के डालनी हो, यानी सिर्फ हम क्वांटिटी डालना चाहते हैं, हम F11 प्रेस करेंगे, यहां पे ये ऑप्शन है, यहां पर आपको ये ऑप्शन मिलेगी, आपने जाना, ये ऑप्शन है एंड के अंदर, ये देखिए ये एंड के अंदर आपको ऑप्शन मिलेगी, इसको हम कवर करते हैं, ये एंड के अंदर ये पड़ी है अनेबल जीरो वैल्यू ट्रांजेक्शन, अनेबल जीरो वैल्यू ट्रांजेक्शन, इसको आपने यस करना है, यानी कि जब हमने वैल्यू जीरो रखनी हो, हम क्वांटिटी तो इंक्रीज करना चाहते हैं, परचेज की एंट्री तो डालना चाहते हैं लेकिन विदाउट अमाउंट अगर हमने एंट्री डालनी है, हमें कुछ आइटम ऐसी मिली है जिनके लिए हमने कोई पैसे नहीं दिए, तो इस ऑप्शन को यस कीजिए। आइए आपको दिखाते हैं एंट्री डाल के, तो ये बिल नंबर डाल सकते हो, डेट, ये पार्टी जिससे हमने ये गुड्स ली है, फ्री ऑफ कॉस्ट गुड्स ली है, ठीक है, तो वो हम सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे परचेज, अगर आप अकाउंट अलग से क्रिएट करना चाहते हैं फ्री परचेज गुड्स अकाउंट, तो ये आप क्रिएट कर सकते हैं, अंडर परचेजेस के अंदर आएगा, ठीक है। और इस तरीके से इन्वेंट्री वैल्यू आर इफेक्टेड आपने यस करना है और यहाँ पे आइटम जो भी हमें फ्री में मिली है एक आइटम क्रिएट करेंगे, मान लेते हैं वॉल क्लॉक, हमने बहुत सारी आइटम खरीदी हैं, हमें वॉल क्लॉक फ्री में मिले हैं, कुछ पीसीस वॉल क्लॉक के फ्री में मिले हैं, तो ये हमने एक आइटम क्रिएट कर ली है। ट्रैक नंबर नॉट एप्लीकेबल,
ऑर्डर नंबर नॉट एप्लीकेबल, किस गोडाउन के अंदर रखेंगे हम यहाँ पे, ये हमारे पास मेन लोकेशन है, यहाँ पे रख लेते हैं और हमें ये 200 पीसेज मिले हैं और हमने कोई रेट नहीं डाला, यानी कि हमारे गोडाउन के अंदर 200 पीसेज आ जाएंगे और ये देखिए हमने कोई अमाउंट नहीं डाली, विदाउट अमाउंट हम एंट्री को रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो ये हमारी एंट्री रिकॉर्ड हो जाएगी। अगर आप गोडाउन के अंदर जाकर देखोगे, आपने डिस्प्ले में जाना है और स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री के अंदर गोडाउन में जाके अगर आप मेन गोडाउन के अंदर देखोगे, यहां पर आपको वॉल क्लॉक की 200 की क्वांटिटी नजर आएगी, यहां पे अमाउंट नजर नहीं आएगी, ये हमें फ्री ऑफ कॉस्ट क्वांटिटी मिली है। और ऐसे ही मान लेते हैं हम अपने कस्टमर को ये क्लॉक, जब वो हमारे कस्टमर हमसे फ्री यानी कि बहुत सारा सामान खरीदते हैं तो हम उनको ये फ्री के अंदर देते हैं, तो हम इसको एंट्री को अकाउंटिंग वाउचर के अंदर सेल के अंदर डालेंगे, तो ये सेल के अंदर हम इस एंट्री को डालेंगे, पार्टी जिसको हम सेल करेंगे ये फ्री के अंदर क्लॉक देंगे, ठीक है, फ्री के अंदर देंगे। यहां पे हम एक सेल अकाउंट, फ्री सेल ऑफ गुड्स अकाउंट हम क्रिएट कर लेते हैं, अंडर सेल क्रिएट करेंगे, तो ये सेल के अंदर इन्वेंट्री वैल्यू आर इफेक्टेड यस करना है, आइटम डालेंगे वॉल क्लॉक, ये देखिए 200 पीसेज है, ट्रैक नंबर नॉट एप्लीकेबल, गोडाउन कहां से हम इनको सेल कर रहे हैं, फ्री में दे रहे हैं, मेन लोकेशन से हम 10 क्लॉक, क्योंकि जो हमारा कस्टमर है उसने हमसे बहुत ज्यादा गुड्स खरीदी हैं, तो हम उसको ये 10 क्लॉक फ्री में विदाउट अमाउंट, बिना कोई चार्जेस के, बिना कोई सेल वैल्यू के सेल कर रहे हैं। तो अगर आप अब डिस्प्ले के अंदर जाओगे, गोडाउन के अंदर जाकर आप क्वांटिटी चेक करोगे, अब आपको ये अगर आप देखोगे ये मेन लोकेशन के ऊपर, ये देखिए वॉल क्लॉक 200 हमने परचेज किए थे, इनवर्ड थे, 10 आउटवर्ड है, 190 हमारे पास बच गए हैं। तो जब हमने बिना वैल्यू के एंट्री डालनी होती है तब जो मैंने आपको ये ऑप्शन बताई, एक बार फिर देख लीजिए, F11 के अंदर आपने ये अकाउंटिंग फीचर्स के अंदर जाना है और ये एंड में आपको देखोगे ये ऑप्शन पड़ी होती है, अनेबल जीरो वैल्यू ट्रांजैक्शन, अनेबल जीरो वैल्यू ट्रांजैक्शन, इसको आपने यस करना है। और यही सेम ऑप्शन आपको ये इन्वेंट्री फीचर के अंदर भी मिलेगी, आप अकाउंटिंग फीचर में भी इसको यस कर सकते हैं और ये इन्वेंट्री फीचर के अंदर टॉप पर ऑप्शन पड़ी होती है जीरो वैल्यू ट्रांजैक्शन, यहां से भी आप इसको वर्कआउट कर सकते हैं। तो इस तरीके से फ्रेंड्स हम जीरो वैल्यू ट्रांजैक्शन टैली के अंदर डाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स अब हम बात करेंगे मल्टीपल लेवल सेल की, यानी कि आपको पता है कि जो बिजनेसमैन होता है अपने कस्टमर्स को अलग अलग रेट के ऊपर सेल करता है गुड्स, तो उस केस के अंदर हमें मल्टीपल लिस्ट अगर क्रिएट करनी है कैसे, हम F11 के अंदर जाएंगे, साथ साथ में आपको बताऊंगा, इन्वेंट्री फीचर्स के अंदर चलेंगे, अपनी कंपनी सिलेक्ट करेंगे और इसके अंदर ये पड़ी होती है ऑप्शन यूज मल्टीपल प्राइस लेवल, यानी हमने अलग अलग रेट पर जब गुड्स सोल्ड करनी होती है मल्टीपल प्राइस लेवल पर आपने क्लिक करना है। जैसे अगर हमसे कोई बहुत ज्यादा गुड्स परचेज करता है, कोई बिजनेसमैन, बड़े बड़े बिजनेसमैन अगर हमसे गुड्स परचेज करते हैं तो हम उनको होल सेल प्राइस पर सेल करते हैं, ये होल सेल प्राइस, यहां पे हमने अपने प्राइस लेवल के नाम लिखने हैं होल सेल प्राइस लेवल। दूसरा है रिटेल, यानी कि अगर हमारे पास कोई छोटा बिजनेसमैन या कम क्वांटिटी में गुड्स खरीदने आता है तो रिटेल सेल प्राइस पर हम उनको सेल करते हैं। एक होती है कस्टमर प्राइस, यानी के ये कस्टमर प्राइस होती है स्टूडेंट, जो हमारे पास आम कस्टमर एक या दो आइटम खरीदने के लिए आते हैं उनसे जो हम प्राइस चार्ज करते हैं, तो ये सेल करते हुए। और अगर आप लेवल बनाना चाहते हैं बना सकते हैं, मैंने ये 3 लेवल बनाए हैं। और उसके बाद ये लेवल बनाने के बाद आपने क्या करना है, इन्वेंट्री इन्फो के अंदर जाना है और ये आप देखोगे प्राइस लिस्ट, गोडाउन के नीचे ऑप्शन आ जाएगी प्राइस लिस्ट, यानी कि अब हम अपनी जो आइटम है जिनको हम सेल कर रहे हैं उनकी हम क्या करेंगे, ये रेट लिस्ट यानी रेट डालेंगे, उनके हम रेट डालेंगे, प्राइस लिस्ट में चलेंगे। तो आप ये जो रेट है दो तरीके से डाल सकते हैं, ग्रुप वाइज, यानी कि जो
प्रोडक्ट होते हैं उनके जो कंपनी के नाम होते हैं ग्रुप के अकॉर्डिंगली, जैसे रिलायंस कंपनी के प्रोडक्ट के आपने नाम प्राइस लिस्ट डालनी है, और या फिर टाटा एंड कंपनी के, टाटा कंपनी के प्रोडक्ट की प्राइस लिस्ट डालनी है, रिबॉक कंपनी के जो आपके प्रोडक्ट हैं उनकी लिस्ट डालनी है, या कैटेगरी वाइज, कैटेगरी वाइज मतलब क्लोथ कैटेगरी की आपने प्राइस लिस्ट डालनी है या इलेक्ट्रॉनिक आइटम की प्राइस लिस्ट डालनी है, तो हम यहाँ पे ये कैटेगरी वाइज सिलेक्ट कर लेते हैं। और यहाँ पर अगर आपने पर्टिकुलर कैटेगरी सिलेक्ट करनी है, जैसे मैन क्लोथ के आपने जो मैन क्लोथ के अंदर आइटम आती हैं उनके रेट डालने हैं, जो एयर कंडीशनर के अंदर आइटम आती हैं उनके रेट, या ऑल आइटम कर सकते हो आप, तो जितनी भी आपकी ऑल आइटम करने पर जितनी भी आइटम होंगी उन सभी के रेट हम डाल सकते हैं। उसके बाद हमसे ये पूछेगा कि आपको ये रेट होलसेल के डालने हैं या रिटेल के डालने हैं या कस्टमर, तो हम कौन से डालेंगे, होलसेल रेट, और ये जो हम रेट डालेंगे कौन सी डेट से अप्लाई होंगे, 1 अप्रैल जो भी आप डेट डालोगे उस डेट से अप्लाई होंगे। अगर मैं 1 मई डाल दूंगा 1 मई से अप्लाई होंगे, तो मैं ये 1 अप्रैल डाल देता हूं। तो आप ये देखिए हमारे पास जो हमारे जितने भी आइटम हैं, ऊपर देखिए हमने सिलेक्ट किया था ऑल आइटम, हमारी सारी आइटम आ गई हैं जो हम सेल करते हैं। तो हम यहाँ पे एक एक करके आइटम सिलेक्ट करते जाएंगे, जैसे रैम का हमने डालना है, तो यहाँ पर एक और हमारे पास फर्दर ऑप्शन है, रैम का होलसेल रेट डाल रहे हैं। हमने ये लिखा कि जो भी हमसे 50 पीसीस से कम, लेस देन 50 पीसीस से कम हमसे ये रैम खरीदेगा, तो हम एक रैम 1100 की देंगे और 5% का साथ में डिस्काउंट भी देंगे, ठीक है, लेस देन 50 पीस। और जो 50 से लेकर 100 के बीच खरीदेगा उसको हम 1000 का रेट लगाएंगे, डिस्काउंट देंगे 10%। यानी ध्यान से देखिए फ्रेंड्स, जो हमसे 100 से लेकर 200 के बीच में खरीदेगा उसको हम 950 का एक रैम लगाएंगे, यानी ये जो रेट है एक रैम का है, एक पीस का है, डिस्काउंट हम 10% ही देंगे। और जो 200 से अबव खरीदेगा उसको हम ये 875 का एक पीस सेल करेंगे, यानी इस तरीके से हम स्टूडेंट, तो इस तरीके से फ्रेंड्स आप क्या कर सकते हो, एक ही आइटम का क्वांटिटी के अकॉर्डिंगली, ये देखिए जो बीच में आप कॉलम देख रहे हो ये क्वांटिटी के कॉलम है, क्वांटिटी के अकॉर्डिंग रेट डाल सकते हो। 50 पीसी से कम अगर हम सेल करेंगे तो ये रेट अपने आप उठाएगा, ये फायदा है फ्रेंड्स, हमें रेट याद रखने की जरूरत नहीं जब हम सेल करेंगे। और अगर हम क्वांटिटी 50 से कम डालेंगे अपने आप रेट 1100 आएगा, अगर हम 50 से लेकर 100, 100 का मतलब लेस देन 100 का मतलब 99 पीस तक डालेंगे तो रेट लगाएगा 1000। अगर 100 से लेकर 200 के बीच में डालेंगे रेट दिखाएगा 950, अगर 200 से अबव डालेंगे रेट दिखाएगा 875। तो इस तरीके से फ्रेंड्स हम एक ही आइटम का क्वांटिटी के अकॉर्डिंग अलग अलग रेट डाल सकते हैं। ऐसे ही और आप सिलेक्ट कर लीजिए, जितनी भी आइटम है सिलेक्ट करते जाइए और उनके इस तरीके से रेट डाल सकते हैं। उसके बाद आपने एंड ऑफ लिस्ट करना है, ये हमने होलसेल के रेट डाल दिए। और ऐसे ही अगर आपने रिटेल सेल के रेट डालने हैं, ठीक है, तो यहाँ पे रिटेल, जैसे रैम का रेट, ठीक है, तो हम सीधा एक ही रेट रख लेते हैं रैम का, यानी कि क्वांटिटी के अकॉर्डिंग नहीं डाल रहे, सीधा रिटेल सेल का एक ही रेट है, जितनी मर्जी क्वांटिटी हमारा कस्टमर खरीदे वो है 1050 रेट है, डिस्काउंट नहीं है। तो इस तरीके से आप रिटेल के, अगर क्वांटिटी के अकॉर्डिंग डालने हैं क्वांटिटी के अकॉर्डिंग भी डाल सकते हैं, लेकिन अगर एक ही रेट है जितनी मर्जी क्वांटिटी खरीदे तो सीधा रेट कॉलम के अंदर आप रेट डालकर इस तरीके से सभी आइटम का आप रेट डाल सकते हैं रिटेल प्राइस का। और ऐसे ही कस्टमर, अगर हम कस्टमर को सोल्ड करते हैं रैम को, रैम को कस्टमर को सोल्ड करेंगे, सीधा एक ही रेट है 1250, नो डिस्काउंट। तो ऐसे आप ये अलग अलग लिस्टें तैयार कर सकते हैं। और जब आपकी ये लिस्ट तैयार हो जाएगी उसके बाद हम इसका ट्रीटमेंट कैसे फॉलो करेंगे, ध्यान दीजिए, अकाउंटिंग वाउचर के अंदर जब हम सेल वाउचर के अंदर एंट्री डालेंगे, जैसे मान लीजिए हमने कुनाल एंड ट्रेडर को सेल करनी है, कुनाल ट्रेडर को, तो ये हमसे पूछेगा प्राइस लिस्ट,
प्राइस लेवल कि जो हमने इसको सेल करनी है कौन से रेट पे करनी है, होलसेल पे या रिटेल पे। मान लीजिए अगर मैं रिटेल सेलेक्ट करता हूँ और सेल एट द रेट ऑफ 18% हम सेलेक्ट करेंगे रैम को, तो यहाँ पे ट्रैक नंबर नॉट एप्लीकेबल, गोडाउन बाई नंबर, और यहाँ पे 10 पीस हमने सेल किए हैं। तो ये देख लीजिए हमने रिटेल प्राइस का एक ही रेट डाला था, इसने रेट अपने आप उठा लिया और कोई डिस्काउंट नहीं डाला, डिस्काउंट इसने नहीं उठाया, ठीक है। और ऐसे ही अगर हम यहीं पर चेंजेस करके देख लेते हैं, टाइम बच जाएगा। अगर हम होलसेल से पहले कस्टमर प्राइस सेलेक्ट करते हैं और सेल, ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे अगर दोबारा से हम यहाँ पे ऐसा करते हैं एंड ऑफ लिस्ट करके इसको दोबारा सेलेक्ट करेंगे ताकि हमें ये अपने आप रेट डाले, क्योंकि इसने पुराना रेट उठा लिया है, नॉट एप्लीकेबल, तो ये अभी रेट अपने आप नहीं उठा रहा। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने ये अमाउंट को, क्वांटिटी को डिलीट किया, पहले इस सारी क्वांटिटी को, अमाउंट को डिलीट किया, तो उसके बाद इसने अपने आप ये जो कस्टमर प्राइस का रेट है वो अपने आप उठा लिया है। तो ऐसे आप फ्रेंड्स कस्टमर प्राइस अपने आप सिलेक्ट कर लेगा, बस आपने यहां पर सिलेक्ट क्या करना है, होलसेल प्राइस की जगह अगर आप रिटेल सेलेक्ट करोगे रिटेल उठाएगा, कस्टमर प्राइस सेलेक्ट करोगे कस्टमर उठाएगा। अगर हम होलसेल का रेट सेलेक्ट करेंगे फ्रेंड्स और यहाँ पे क्वांटिटी के अकॉर्डिंग उठाएगा, ठीक है। पहले हम इसको डिलीट कर देते हैं, फिर हम यहाँ पे डालेंगे दोबारा से। ये देखिए यहाँ पे दोबारा से अगर हम डाल देते हैं 40 पीस, ठीक है, यहाँ पर भी 40, तो ये देखिए इसने होलसेल रेट अपने आप उठा लिया है। 40 पीस का हमने डाला था, अगर 50 से कम होगा अमाउंट 1100 इसने अपने आप, और ये डिस्काउंट भी यहाँ पर इसने उठा लिया है। तो ये ऑटोमेटिकली हमारा क्या होगा फ्रेंड्स, ये सेल के रेट अपने आप डालता चला जाएगा। इसको बोलते हैं मल्टीपल सेल प्राइस लेवल सेट करके सेल की एंट्रीज को रिकॉर्ड करना। तो मेरे ख्याल से फ्रेंड्स आपको जो मैंने ये सारी बातें बताई आपको क्लियर होंगी। तो इन्वेंटरी के अंदर हम इतना ही फॉलो करेंगे और आगे चल के मैं आपको और बातें, जॉब कॉस्टिंग कैसे फॉलो होती है, मैन्युफैक्चरिंग के ट्रांजैक्शंस को कैसे रिकॉर्ड किया जाता है, उसकी मेरी अलग से वीडियो है, तो वो आप देख सकते हैं।